Good evening, everyone. Okay, I'm Sanjay Khemka, and I would start with your ISCA classes. Before we start off, my 15-20 minutes is instructions for all my lectures. कितने लोग हैं सबसे पहले यहाँ पे जिनके पास इंस्टीट्यूट का मैट नहीं है आज उनके पास? ओके, होल्ड हैंड्स प्लीज, एक सेकेंड. ओके, दैट बेंच देयर, यू विल हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स. ऑल माय क्लास डिस्कशंस आर प्योरली इंस्टीट्यूट मैट बेस्ड. मैं क्लास में जितना भी पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के मैट से पढ़ाने वाला हूँ. सो ऑल यू नीड टू डू इज कैरी द इंस्टीट्यूट मैट विथ यू फॉर ऑल द क्लासेस. देयर वुड बी अ रिविजनरी मैट दैट इज गिवन टू यू टुवर्ड्स द एंड, बट दैट्स ओनली फॉर रिविजन पर्पसेस एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट एंड व्हेन टू यूज इट. बट मेरी क्लासेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का मैट लेकर आना है. मैट में भी बहुत सारे वर्जन ऑफ द बुक अवेलेबल होंगे. ओके, कितने लोगों के पास ये वाला वर्जन ऑफ द बुक है? ओके, वेरी गुड, दैट्स योर सिलेबस. कितने लोगों के पास ये वाला वर्जन ऑफ द बुक है? ओके, ओके, इसके सिवाय कोई और वर्जन है तो पूछ भी नहीं रहा है, वो तो टोटली आउट है. ये वाला वर्जन चेंज हो गया था. दिस वाज सो नवंबर 16 ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल नहीं रहा था. इस बुक से लेके हमारे बुक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 पन्ना एड हुआ था, 25-30 पन्ना डिलीट हुआ था और कुछ 20-25 पन्ने इधर उधर रिप्लेस हुए थे. इन शॉर्ट कम से कम 5 चैप्टर में चेंजेस आया था. या तो आप वो सारा मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन सा पन्ना का कौन सा चैप्टर का कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस आया, ऐड करो डिलीट करो, वो आप कर सकते हैं, मेहनत टाइम आपके हाथ में है. या 180 या 200 रुपया इंस्टीट्यूट नया बुक देता है आपको, ठीक है ना, नया खरीद लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपेंस नहीं, फर्क आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना. एडवाइजेबल है गेट अ न्यू मैट. पुराना से भी चलाना चाहे तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा. यू कैन ऑलवेज मैनेज एटलीस्ट फॉर फर्स्ट, पूरा फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, पूरा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है. नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, इसीलिए बाय द टाइम आई फिनिश द फर्स्ट चैप्टर दैट्स गोना टेक अराउंड 4 क्लासेस. तब तक इंश्योर करना कि अपने लेटेस्ट मैथ्स है या लेटेस्ट जेरोक्सेस अपने पास रहे. ओके, कुछ इंस्ट्रक्शंस है हमारे लाइफ में. एक्चुअली हमारे लाइफ में आपने जिस भी टीचर से जब भी पढ़ा होगा, जो भी सब्जेक्ट जिस भी टीचर से जब भी पढ़ा, हर टीचर ने आपको लाइफ में कहा होगा घर जाके साथ साथ में पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करते रहना, साथ साथ में पढ़ाई करेंगे तभी तो क्लासेस करने का फायदा होगा. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस एंड अट्रैक्शंस बहुत होते हैं. डिस्ट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन इज एक्चुअली रिलेटिव. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा इतना सारा ट्यूशंस, DT, IDT, समुंदर है सर, डूबते हैं कहां निकलेंगे पता नहीं, ठीक है ना. इन सब के सिवाय हमारा ऑफिस सर, सर वो तो मतलब मेंशन करना ही नहीं है, सर वो तो हमेशा हमारे साथ है एज अ फॉरएवर पार्टनर ऑफ आवर्स. और इन सब के बाद हमारे पास अगर टाइम बचा तो हमारा बैकअप होता है सर. मतलब सर ट्यूशन खत्म हो जाए, लोगों का CA खत्म हो जाए, लेकिन बैकअप तो खत्म नहीं होना है, ये तो फॉर श्योर है. और इन सब के बीच में घर जाके सेल्फ स्टडी करना, ठीक है ना. तो लोग जनरली क्या होता है सोचते, सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का ट्यूशन, सर घर जाके होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता, क्लास के पहले आधा घंटा में किसी तरह झगड़ के होमवर्क करते हैं सर, ठीक है ना. तो सोचते हैं लोग डेडलाइन निकालते हैं कि मे बी यू नो 1 जुलाई से मेरे को कुछ कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, एंड ऐसा होगा एंड वैसा होगा, एंड फाइनली हम 1 जुलाई से घर में थ्योरी पढ़ना शुरू करेगा, ऐसा पब्लिक सोचता है. 1 जुलाई आता है, चला जाता है, बुक तो नहीं खुलता, बहुत कुछ होता है, एवरीथिंग मे नॉट हैपन एज प्लान्ड. तो फिर आप और एक लैंडमार्क डे अपने लाइफ में लाते हैं, आप सोचते हैं 1 अगस्त सर मेरे को 3 महीना का छुट्टी मिलेगा, ऐसा आप सोचते हैं, ठीक है ना. और आप फाइनली सोचते हैं मेरे को 3 महीना का छुट्टी मिलेगा, हम 1 अगस्त से घर में बैठेगा, घर में बैठ के थ्योरी पढ़ना शुरू करेगा. 1 अगस्त आता है, चला जाता है. फिर आप सर 15 अगस्त आजादी मिलेगी, शायद ऑफिस से शायद ट्यूशन से फाइनली मेरे को घर पे आजादी मिलेगी, मैं घर पे बैठ के पढ़ना शुरू करूंगा. डोंट वरी, आता है चला जाता है. मोस्ट स्टूडेंट्स हु स्टार्ट स्टडिंग थ्योरी बैक एट होम, चाहे ट्यूशन लिया या नहीं हुआ, प्रैक्टिकल बात बताता है. मोस्ट स्टूडेंट्स हु स्टार्ट स्टडिंग थ्योरी बैक एट होम इज जनरली ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक. सोचते हैं लास्ट में 2 महीना में पढ़ लेंगे. और इसका के लिए तो हमेशा ऐसा लगता है सर IT वाला सब्जेक्ट है, IPCC में तो 15 दिन पढ़ के निकाला था, यहां भी निकाल लेंगे, माइंडसेट तो वही होता है. फाइनली जब बुक खोलते तब रियलाइज होता है नहीं यार थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा. इफ यू हैव गिवन टेकन द पेन्स ऑफ कमिंग टू माय क्लासेस प्लीज गिव मी 4 आवर्स पर वीक, ठीक है ना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू गिव मी. क्योंकि अगर आप अगस्त एंड सितंबर में घर में बैठ के पढ़ने का सोच रहे हैं
तो आपको तब तक मेरे क्लास का कोई भी डिस्कशन याद नहीं होगा। मैं जो भी मई जून में अभी आपको पढ़ाऊंगा वो आपको डेफिनेटली अगस्त एंड सितंबर तक याद नहीं रहेगा, और फिर सिर्फ आप मार्किंग से पढ़ रहे होंगे। मार्किंग तो मार्केट में कोई भी दे देगा। इफ यू हैव टेकन द पेन्स ऑफ कमिंग टू माई क्लासेस प्लीज गिव मी दैट रेगुलर रीडिंग। ऑल यू नीड टू डू इज रीड द बुक वंस एट होम, बस इतना करना है। एंड डेफिनेटली ये एफर्ट आपको डालना होगा। प्लीज पहले हम मॉरली प्रेशर डाल के आपसे रीड करवाएंगे, नहीं होगा तो अलग अलग एफर्ट्स हम भी डालेंगे आपको पढ़वाने का, पर आपको रीड करना है। और ये रीड आपको सिर्फ एक बार लाइन टू लाइन रीड करना है। मैं क्लास में हर वो टॉपिक कवर करूंगा जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लीव असाइड आया या नहीं आया। मैं हर वो टॉपिक क्लास में डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन मैं क्लास में एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेकिन लिखवाऊंगा एक ही एग्जाम्पल। हो सकता है आपको सेकेंड वाला एग्जाम्पल ज्यादा ईजी लगा था, स्क्रिबल इट डाउन, टेक रनिंग नोट्स। आपको एक बार रनिंग नोट्स लेना है क्लास में जितना मैं समझाता हूँ, और एक बार घर जाके रीड करना है। घर जाके रीड करेंगे, बुक में एक दो और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स होगा, आप रीड करोगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटर आंसर लिखेगा, बेटर आंसर लिखेगा बेटर मार्क्स आएगा। इट्स ऑलवेज पॉजिटिवली कोरिलेटेड, आपकी भाषा में बात करें तो, ठीक है ना। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू गिविंग मी दैट पैरेलल रीडिंग वंस। इसका हमारे सब्जेक्ट का नाम है वैसे, इसका इज डेफिनेटली गोना पुल यू इन योर अदरवाइज अनसर्टेन सेकंड ग्रुप, इन योर अदरवाइज अनसर्टेन ग्रुप, दिस सेकंड ग्रुप, दिस इज अ वेरी सर्टेन पेपर। सर अनसर्टेन सेकंड ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग एक ऐसा पेपर है जिसमें आप जितना भी वैरायटी कर लो एक नया वैरायटी का स्कोप होता है। देयर इज नो स्कोप, देयर इज नो फिक्स्ड बाउंड्री विद इन विच आई कैन डिफाइन कि मेरे अंदर इतना ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है। कॉस्टिंग हैज एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेवेंट कॉस्टिंग का सम से जो हम क्रिएट कर सकते हैं। डीटी भूलने का दरकार ही नहीं है सर, कितना अनसर्टेन है, अमेंडमेंट से भरा है, कवरेज पूरा कर पाना एक चैलेंज होता है। आईडीटी हमारे टर्म्स के अंदर ऑलरेडी, खैर अब तो श्योरिटी आ गया जीएसटी वाला चीज का, बट इवन अदरवाइज आईडीटी इज अगेन फिल्ड विद अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, अगेन अ वास्ट ह्यूज सिलेबस। इन अमंगस्ट ऑल दिस इसका इज रिलेटिवली अ स्मॉल एंड अ वेरी सर्टेन सब्जेक्ट जहां मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी होगा। इसका का पेपर में 60s, 70s, 80s, 90s भी बहुत कन्वीनियंटली आता है। इफ यू वुड चेक ऑन द बोर्ड्स आउटसाइड, नवंबर 16 वाला टर्म के अंदर, मई 17 तो रिजल्ट्स नहीं आया, नवंबर 16 वाला टर्म के अंदर 90, आई थिंक 90 या 91 हाईएस्ट आया था हमारे स्टूडेंट्स में से, ओके। एंड ऑल इंडिया हाईएस्ट का अगर बात करें तो ऑल ओवर फॉर एवर ऑल टर्म्स टूगेदर हाईएस्ट इन इसका 98 या 99 तक गया हुआ है, ठीक है ना। 92 इज दी ऑल टाइम हाईएस्ट जो स्टूडेंट्स में से आया हुआ है। ऐसा नहीं बोल रहा, डिस्क्लेमर, एनी रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेथ इज मेरली कोइंसिडेंटल, हम ऐसा नहीं बोल रहा मेरे से पढ़ने के वजह से आया, हम तो सिर्फ ये बोल रहा है इसका में मार्क्स आता है और डेफिनेटली आता है। 60 70s लाना इज वेरी इजी इन इसका पेपर, और आपका सेकेंड ग्रुप को इसका डेफिनेटली पुल करेगा। लेकिन एक मिनट, इसका में 10s और 20s भी आता है, खाली रोजी पिक्चर नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। इसका आपको पुल करेगा, अब वो पुल करेगा या पुल करेगा ये आपके हाथ में है, पर वो पुल तो करेगा सर। इफ यू फॉलो माई सिंपल इंस्ट्रक्शंस इन माई क्लासेस, बाय द टाइम यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल यू वुड हैव रेड दिस बुक 5 times। क्या आप बोल रहे हैं सर, खाली आप ही का पेपर पढ़ना है क्या हमें? डोंट वरी, मैं सिर्फ इसका नहीं पढ़वाऊंगा आपको, वैसे 100 mark का डीटी भी है, 100 mark का इसका भी है, लेकिन मैं कभी भी डीटी के जितना इसका नहीं पढ़ने दूंगा। वी विल बी वेरी रैशनल। लेकिन बाय द टाइम यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल बाय सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड बाय वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस यू वुड हैव रेड दिस बुक 5 times। 5 बार पढ़ के हम अच्छा एग्जाम में आंसर लिख सकता है, ये कॉन्फिडेंस आपको भी अपने आप पे होना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। अभी के लिए क्लासेस अटेंटिवली अटेंड करने हैं, एक बार पैरेलली सिर्फ लाइन टू लाइन एक बार रीड करना है, दैट्स इट, एक बार रीड करना है आपको, दैट्स ऑल दैट वी विल डू फॉर नाउ। आर यू विद मी? यस, ओके। प्लीज और एक चीज समझिएगा कि ये लाइव क्लासेस है, ठीक है ना। सो यू हैव टू कीप पुटिंग प्रेशर ऑन योर वोकल कॉर्ड्स एज वेल। सो जस्ट एज आई विल कीप टॉकिंग टू यू एज वेल, यू मस्ट ऑल्सो कीप टॉकिंग टू मी एंड आई मस्ट नो आई एम टॉकिंग टू लाइव पीपल एंड नॉट ज़ॉम्बीज एंड डमीज। यस, ओके। सो वील कीप डूइंग दिस चेक इन बिटवीन एज वेल, सो यू हैव टू कीप इंटरेक्टिंग विद मी एज वेल। इट हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। आई डू नॉट बिलीव इन अ टीचिंग, आई बिलीव इन अ डिस्कशन। टीचिंग और डिस्कशन में फर्क क्या होता है? टीचिंग इज अ वन वे कम्युनिकेशन जहां मैं अकेला बोलता जाऊंगा, अगर मैं अकेला बोलता जाऊंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, अगर मैं बोर हो जाऊंगा तो आई विल नॉट टीच वेल एंड यू स्टार्ट सफरिंग। सो फॉर योर ओन बेनिफिट यू मस्ट कीप इंटरेक्टिंग विद मी। यस, ओके। और एक दो चीज समझिएगा ना,
इस काका बुक के अंदर हम लोग एक भी चीज याद नहीं करेंगे, बी रेस्ट अश्योर्ड। जो लोग ये सोच कर आए होंगे हम लोग लर्न करके जाने वाले हैं, आई एम सॉरी यू आर गोना बी डिसअपॉइंटेड इन माय क्लासेस, हम लोग याद नहीं करते। आई डू नॉट बिलीव इन लर्निंग बिकॉज मेरे से कुछ याद नहीं होता, एक्सेप्टिंग फॉर बेसिक डेफिनेशंस एंड एटसेट्रा, जो बियॉन्ड यू एंड मी है, हमें कुछ कुछ डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे, बट बियॉन्ड दैट वी विल नॉट लर्न एनीथिंग। मैं कॉन्सेप्ट को समझने में बिलीव करता हूं क्योंकि मेरा पेपर सिक्स्थ पेपर है। जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, assuming both group वाले people, आपका एक mind इस white board की तरह blank होगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा तब तक। अगर ऐसा feeling आए तो समझ लेना normal है। लेकिन उस डेढ़ दिन के अंदर humanly possible नहीं है कि आप पूरा book वापस से याद कर सको, ठीक है ना? अगर कोई चीज समझा हुआ होगा तो वापस से रीड करेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन चाहे कितना भी याद कर लो वापस डेढ़ दिन में याद नहीं कर सकते। इसलिए लर्न करने का कोशिश मत करिएगा। और एक स्टूडेंट माइंडसेट का बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आए तो हम लोग सोचते घर जाके समझ लेंगे, घर जाके कुछ बदलता नहीं सर, मैं भी वही, बुक भी वही, तो हम फिर नेक्स्ट रिसोर्ट होता है सर बगल वाले से समझ लेंगे। पर बगल वाला भी है तो मेरा ही दोस्त, समझ में तो उसको भी उतना ही आता जितना मेरे को आता, तो लास्ट रिसोर्ट होता है सर रट के चले जाएंगे। सर आप थ्योरी का बात कर रहे हो, सर हम तो प्रैक्टिकल भी रट लेते हैं, सर पता होता है ये होगा तो ये करेंगे, डोंट आस्क मी व्हाई, ठीक है ना, बस पता है सर ये होगा तो ये करना है। तो नॉर्मल अगर स्टूडेंट माइंडसेट का बात करें, हमारे बुक में 8 चैप्टर है, अगर गलती से बुक खोल लिया हो, 8 चैप्टर, हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 5 ऐसा टॉपिक ऑन एन एवरेज इकट्ठा कर लेता है जो उसको नहीं समझ में आया वो रटने वाला है। 40 का एक ऐसा इकट्ठा किया हुआ बैगेज है मेरे पास जो मेरे रटने वाला है। अब डेढ़ दिन में ये 40 को रटे या बाकी को रिवाइज करें, क्यों लाइफ में पाइल ऑन करना है? सिंपल, जितना डाउट आए क्लास में क्लैरिफाई करना, क्लास में पूछने में दिक्कत है क्लास के पहले पूछिएगा, क्लास के बाद में पूछिएगा, बट क्लास में क्लैरिफाई करना, गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड इन द क्लास। अननेसेसरीली क्या होता है हमारे साथ, एक टॉपिक नहीं समझ में आया, दो नहीं समझ में आया, अननेसेसरी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, दो चैप्टर में दो दो टॉपिक इकट्ठा हुआ पूरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। दैट्स हाउ यू स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, मेरे को शुरू से इसको एलिमिनेट करना है। दिक्कत आएंगे पूछेंगे, जितना बार पूछना है पूछो, आई हैव गॉट सफिशिएंट मार्जिन इन माय 26-27 क्लासेस, I will take approximately 26 to 27 classes for my lectures and I have sufficient margin in this lectures for all your doubts and queries, पर उसको यहीं clarify and clear करके जाना है। Are you with me? Okay, very good. मेरे subject का नाम सबसे पहले इसका information systems control and audit. So the next time somebody asks you किसका tuition जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इसका का ट्यूशन जा रहे हैं। बुक का नाम सबसे पहले डिस्कस करूंगा, अभी कोई चैप्टर में नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ बुक का नाम समझाना है आपको। इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट, कोई बता सकता है व्हाट डज द वर्ड इन्फॉर्मेशन मीन? आईपीसीसी पार करके आए सर हम तो, प्रोसेस डेटा, ओके वेरी गुड, व्हाट एल्स, एनीवन एल्स, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सर? सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स अ डिस्कशन। डिस्कशन में राइट एंड रॉन्ग नहीं होता सर, यू कंट्रीब्यूट व्हाटएवर कम्स योर माइंड। ओके, प्रोसेस डेटा फ्रॉम समथिंग वी कैन डिराइव समथिंग मीनिंगफुल, ओके वेरी गुड, दैट इज रेलेवेंट फॉर आवर पर्पसेस, वेरी गुड, वी आर टॉकिंग, वेरी गुड, वी आर ब्रेकिंग द बैरियर्स। एनीवन एल्स, whatever comes to your mind, what is information sir? Process data, something helps us in, provides us something meaningful, helps us something that is relevant for us, helps us in decision making, okay ek example lete hain, let's say if I have a school where there are 1,000 students, there are 1,000 students, for each of these 1,000 students I can have 500 facts and figures, 500 facts and figures, यानी उनका 365 days का attendance, father's name, mother's name, address, marks, date of birth, I can have 1,000 into 500, I can have lakhs of facts and figures. Are you with me? Yes. क्या इस lakhs of facts and figures से कोई meaningful conclusion निकल सकता है या नहीं निकल सकता? Yes या no? Some said somewhere like this. Okay. लोगों को लगता है कि कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल सकता है, शो ऑफ हैंड्स, ओके, कितनों को लगता है कि मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता है? 1, 2, 3, मजॉरिटी, बाय एन ऑलमोस्ट मजॉरिटी बिलीव्ड कि मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकल सकता है, कुछ लोगों को लग रहा था कि मीनिंगफुल कंक्लूजन्स नहीं निकल सकता। जिनको लग रहा है मीनिंगफुल नहीं निकल सकता वो तो एग्जेम्प्ट हो गए, बाकी लोग कैन यू गिव मी एनी काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल, कुछ भी कैसा मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पाएंगे? जैसे कि 1,000 students का 365 डेज का अटेंडेंस है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, सारा मार्क्स सब कुछ है इसमें,
यहां से कैसा कैसा मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एनीथिंग एग्जाम्पल्स के लिए. ओके, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या निकाल सकते हैं हम उनका? ओके, टोटल मार्क्स इस पे कंपेयर कर सकते हैं. ओके, व्हाट एल्स कैन आई विड्रॉ डिराइव? ओके, आई कैन कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ईयर वाइज. सो लेट्स से पिछला साल कैसा था, इस साल कैसा था, और मे बी टर्म वाइज, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, एनीथिंग, परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर सकते हैं. गुड, व्हाट एल्स कैन वी कंपेयर, व्हाट एल्स कैन वी फाइंड आउट, व्हाट एल्स कैन वी कैलकुलेट, डिराइव, फाइंड आउट? जेंडर रेशियो सर. ओके, हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स आते हैं, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आते हैं इन द स्कूल, वी कैन फाइंड आउट पूरा स्कूल है. ओके, व्हाट एल्स, एनी अदर एग्जांपल्स कमिंग टू योर माइंड? और क्या हम लोग कैलकुलेट डिराइव कर सकते हैं? पार्डन मी, टॉप परफॉर्मर्स कौन था? ओके, स्कूल वाइज, ओके, स्कूल वाइज रैंकिंग कर सकते हैं, या मे बी क्लास वाइज बेटर. ओके, ओके, आई कैन फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट वाइज एंड फाइंड आउट टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसा उस सब्जेक्ट में परफॉर्म कर रहे हैं. फेयर एनफ, एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं सब्जेक्ट वाइज. और कुछ माइंड में आ रहा हो? ओके, आई कैन कंपेयर द स्टूडेंट का टॉपर्स का परफॉर्मेंस फ्रॉम द मीडियंस वगैरह निकाल सकते हैं, तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कितना गैप है, उसके हिसाब से एनालाइज कर पाएंगे स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस को. सर एग्जॉस्ट हो गए. ओके, लेट्स से आप ही के एग्जांपल्स को रखते हैं. लेट्स से मुझे अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना है, एवरेज मार्क्स कंप्यूट करना है, या दो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना है, या लेट्स से जेंडर रेशियो निकालना है मुझे उन लोगों का, या लेट्स से मुझे उनका रैंकिंग करना है, इन सबके लिए क्या फादर्स नेम चाहिए, क्या मदर्स नेम चाहिए, क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए, क्या एड्रेस चाहिए? पर ये सब भी तो था मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स में. इन इट्स बेयर फॉर्म, इस लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता. सर क्यों नहीं निकल सकता? सर अभी तो ये सारा हमने डिस्कस किया. इन इट्स बेयर फॉर्म, इस लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से कोई मीनिंग कंक्लूजन नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अल्फाबेटिक फॉर्मेट में, कुछ न्यूमेरिक फॉर्मेट में, कुछ डेट फॉर्मेट में, DDMMYY, कुछ तो सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट फॉर्मेट में है. हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, रेलेवेंट कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उस रेलेवेंट कॉलम को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकता है एवरेज मार्क्स, हम कैलकुलेट कर सकता है टोटल मार्क्स, हम कंपेयर कर सकता है परफॉर्मेंसेस को. लेकिन उसके लिए हमको पहले इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. यू लॉजिकल थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इन इट्स बेयर फॉर्म, इससे कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता. दिस कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा. हम एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेगा. व्हाट इज डेटा? सर डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम विच नो मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी डिराइव. डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिससे कुछ मीनिंगफुल नहीं निकल सकता. लेकिन जब इसको प्रोसेस करेंगे, इट गेट्स कन्वर्टेड इन इंफॉर्मेशन. दैट इंफॉर्मेशन इज द एवरेज मार्क्स, इज द डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस, द जेंडर वाइज टोटली, दैट विल गिव मी सम मीनिंगफुल कंक्लूजन. That will help us in, what does information help you in doing? It will help you in decision making, कोई ना कोई type का decision लेने में, analysis करने में, performance को compare करने में मदद करेगा. Are you with me? What basic first terms जान रहे? What is data? Collection of raw facts and figures. What is information? Processed data. Okay, next, हम तो खाली book का नाम सिखा रहे हैं अभी आपको. What does the word system mean? System word सुनते ही सबसे पहला example जो आपके mind में आए, shoot, कंप्यूटर. ओके, वेरी गुड. व्हाट एल्स? म्यूजिक सिस्टम सर. वेरी गुड. व्हाट एल्स? सर हम तो वहीं से सुनते हैं सर. कंप्यूटर्स, म्यूजिक सिस्टम, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड आफ्टर हियरिंग द वर्ड सिस्टम, द एग्जांपल, शूट, प्रोसेस. ओके, मशीनरी बोलना है, कोई कोई झिझक नहीं होना चाहिए, जो मन में आए बोलना है. अपने तो एग्जाम्पल डिस्कशन करने का लिए. कंप्यूटर्स, म्यूजिक सिस्टम, मशीनरी, अ प्रोसेस. सर बड़ा सोचते हैं ना, सोलर सिस्टम. और सर अगर नाम पे ही जाना है तो वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से हम सोचते हैं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है ना? ओके, लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जाम्पल. ओके, या
सिस्टम इज वेयर अ प्रोसेस हैपेंस, जहां पे प्रोसेसिंग होगा वो सिस्टम है. एग्जाम्पल्स खाली डिस्कस कर रहा है, वहां से मैं सिस्टम वर्ड का डेफिनेशन डिराइव करूंगा. एक कंप्यूटर, एक मशीनरी, एक कंप्यूटर, एक मशीनरी, एक लेट्स से कोई भी एक प्रोसेस, कोई भी आप ही का एग्जाम्पल्स लेना चाह रहा है. कोई भी अगर एक सिस्टम का बात करें हम लोग, यस इज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, यस वी टेक एन ऑर्गेनाइजेशन, वी टेक म्यूजिक सिस्टम, वी टेक कंप्यूटर, वी टेक अ प्रोसेस एंड वी टेक अ सोलर सिस्टम, और इन सब के थ्रू सिस्टम वर्ड का डेफिनेशन निकालेंगे. इन सब में क्या कॉमन है? इन सबके अंदर बहुत सारे पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स हैं. सोलर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स हैं, म्यूजिक सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स हैं, कंप्यूटर्स में बहुत सारे पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स हैं, हर एक प्रोसेस में बहुत सारे पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स हैं. ऑल दीज पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, चाहे वायर्ड हो, चाहे वायरलेसली हो, चाहे नर्व्स के थ्रू हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के थ्रू हो, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. And they are all interdependent and interrelated. They are all interdependent and interrelated. Bina ek bhi part ke baki part ka performance effect ho jayega. So they are interdependent and interrelated, and they all will work together towards some kind of a target or a goal. They will all work together towards some kind of a target or goal. So simple bhasha mein bole to can I say har wo tukde jo interdependent hai, interrelated hai aur milkar kaam karenge towards a common goal, उन टुकड़ों को हम सिस्टम बोलेंगे. What is a system? Technical definitions है, book में है, मैं लिखवाऊंगा अभी, अभी तो समझा रहा हूं. Any system is a collection of components that are interdependent, interrelated, and they work collectively for a common target or a goal. Computer system का एक target है आप तक information पहुंचाना, music system का target है आप तक music पहुंचाना, organization का एक vision और mission objectives होता है, एक target होगा SMIPCC, ठीक है ना. तो हर एक सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल हो रहा होगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस? यस. इंफॉर्मेशन वर्ड सीखा, सिस्टम वर्ड सीखा, सर दोनों वर्ड को पंच करते ना. व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? हर वो सिस्टम जो क्या करेगा, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड अ information systems. I'm going very literal, slowly. What is an information system? Any system that's going to convert raw data into information, that's going to do this processing, will be called an information system. And this processing will be called, if you are logically thinking, that's called information processing or data processing. Dono naam se bulate hain isko. Data, raw facts and figures. इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा, और इस प्रोसेसिंग को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग बोलेंगे, और ये प्रोसेसिंग करने वाले सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे. आर यू विद मी? यस एवरीवन. ओके, मेरे बुक का थर्ड नाम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल. आप तो बहुत सारे कंट्रोल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कंट्रोल पढ़ते हैं. लेट्स से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर कंट्रोल्स? व्हाट आर कंट्रोल्स? Checks, okay. Controls are checks. Regulations, okay. Controls are checks. Controls are regulations, okay. इतना difficult words नहीं है वैसे अभी तक. Control क्या होता है? Measures, okay. Checks, regulations, measures. बाकी लोग सुना है word control? सब बचपन से मम्मी बोलती थी बेटा control. ठीक है ना? लेकिन पहला बार जब हमने control word study किया था, That was जब हमने पहला बार मैनेजमेंट पढ़ा था सर. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. एंड what was कंट्रोलिंग? अगर एकदम बचपन सर, अब तो स्कूल बचपन हो गया हमारा. कंट्रोलिंग was टू चेक एंड इंश्योर दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एज प्लान्ड, एंड टू टेक करेक्टिव एक्शन. सो what are controls? It is plans and policies laid down by the management by which we ensure that the actual business performance is as planned and to take corrective action if there are deviations. हम लोग स्कूल में कंट्रोलिंग में क्या बोलते थे, ये इंश्योर करना कि जो प्लान वैसा वैसा हो रहा है या नहीं, और जहां कुछ भी डेविएशन मिलेगा तो क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन ले रहे होंगे. यही तो कंट्रोल्स होता है, चेक टू इंश्योर एवरीथिंग इज हैपनिंग एज प्लान्ड एंड टू टेक करेक्टिव एक्शन इफ देर आर डेविएशन. इंफॉर्मेशन समझा, सिस्टम समझा, कंट्रोल समझा. चौथा वर्ड, व्हाट इज ऑडिट?
आप तो स्पेशलाइज कर रहे हैं एज अ चार्टेड अकाउंटेंट. आपका स्पेशलाइजेशन दो चीज में है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर. यू आर सपोज टू बी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक्सपर्ट्स. आपके किसी भी पेपर में आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, एक वर्ड का जवाब मत दीजिएगा मुझे, आपको 2 मार्क का क्वेश्चन है, यानी आपको 3 लाइन लिखना है, व्हाट इज ऑडिट. आया आया आ रहा है आ रहा है. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, साइज ऑफ द एंटिटी. टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है. अच्छा एक चीज बताओ, तो आपने सेक्रेटेरियल ऑडिट सुना है क्या? सुना है क्या आपने? कॉस्ट ऑडिट सुना है क्या आपने? टैक्स ऑडिट सुना है क्या? सर किया भी है, कुछ ही बोल सकते हैं, बाकी तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी से आते हैं. ओके कुछ वैट ऑडिट सुना है? मैनेजमेंट ऑडिट सुना है? सिस्टम ऑडिट सुना है क्या? यस ओके जिन्होंने सुना है, क्या सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू चेक वेदर इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू करते हैं क्या? क्या हम कॉस्ट ऑडिट में भी करते हैं क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू चेक वेदर इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू? क्या वैट ऑडिट या टैक्स ऑडिट में ऐसा कुछ करते हैं क्या? क्या मैनेजमेंट ऑडिट या सेक्रेटेरियल ऑडिट या सिस्टम ऑडिट में ऐसा करते हैं? मैंने तो सिर्फ ऑडिट पूछा था, बचपन से रट रखा है कि वॉट इज फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट एंड ऑडिट इज नॉट द सेम थिंग. ये बचपन में चलता था क्योंकि तब हम बचपन में थे. अब सीए फाइनल स्टूडेंट है, यू मस्ट नो ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट. ऑडिट तो कोई भी चीज हो सकता है, लेट्स ब्रॉडन आवर हॉराइजंस. ऑडिट तो कोई भी चीज हो सकता है. तो ऑडिट में इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा बोलना जरूरी नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रॉडन योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो. ओके कोई भी चीज का वर्किंग को चेक करना एंड रिफ्लेक्ट करना कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं. या गो अहेड. एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम्स प्रेवलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके काम कोई भी काम कैसे हो रहा है कंपनी में वो इवैल्यूएट करना. सिंपल भाषा में बोलूं तो थोड़ा वर्ड्स के साथ प्ले करूंगा, ध्यान से सुनना. ऑडिट में सिर्फ 2 चीज करते हैं. पहला चेक करना जो होना चाहिए कंपनी में वो हो रहा है या नहीं. कंप्लायंसेस, ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, जो होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं. दूसरा जो नहीं होना चाहिए कहीं वो तो नहीं हो रहा, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशंस, हर चीज के लिए हो सकता है. एनी ऑडिट आई एम डूइंग 2 थिंग्स, आई एम चेकिंग जो जो होना चाहिए कंपनी में वो हो रहा है या नहीं, जो नहीं होना चाहिए कहीं वो तो नहीं हो रहा. आर यू गेटिंग ऑल दिस? यस ओके. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट, मेरे बुक का नाम इसका, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम हमें पता होना चाहिए किसका ट्यूशन जा रहे हैं हम लोग. आर वी वेरी क्लियर विद द नेम ऑफ द बुक? नो. यस कंट्रोल एंड ऑडिट का डेफिनेशन में 2 फर्क है. कंट्रोल में हम लोग खाली ये चेक लगा के रखते हैं कि सारा चीज सही सही हो और करेक्टिव एक्शन रखते हैं, वेयर एज ऑडिट में इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंसेस को. तो कंट्रोल के अंदर हम लोग करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं, जबकि ऑडिट में सिर्फ हम लोग चेक करके कमेंट करते हैं, उसके हिसाब से फिर मैनेजमेंट करता है. सो ऑडिट इज जनरली बाय अ पार्टी अदर देन द पर्सन हु इज एस्टैब्लिशिंग द कंट्रोल्स. यू एस्टैब्लिश द कंट्रोल्स एंड देन इट्स गोना बी ऑडिटेड एंड वेरीफाइड. ओके यस ओके शुरू करते हैं. बुक में होना कुछ कुछ चीज पढ़ाते हैं बुक से. वी गॉट टू स्टार्ट विद चैप्टर 2 फर्स्ट. सो 2 1 1 नहीं पढ़ना है, जरूरी थोड़ी ना 1 से शुरू करेंगे हम लोग. सबसे पहले 2 से शुरू करने वाले हैं. कम टू पेज 2.3, यू विल गेट अ टॉपिक इंफॉर्मेशन. पेज 2.3 मिल रहा है क्या? इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पैरा का पहला 3 लाइन ध्यान से रीड करेंगे हम लोग. और एक चीज रीड करते टाइम और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मेरे क्लास में इसका के क्लास में खास करके, देयर विल बी नो सेपरेट कॉपी दैट यू विल मेंटेन. प्लीज देयर विल बी नो सेपरेट कॉपी दैट यू विल मेंटेन. हमारे बुक में 25% ऑफ द बुक इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए खाली छोड़ा है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मिला के.
मेरे लिए ही छोड़ा है, ठीक है ना? वो 25% ऑफ द बुक पूरा यूज करेंगे सर, हमने पूरा बुक का पैसा दिया है, ठीक है ना? पूरा बुक यूज करेंगे, पूरा भर जाए तो आगे पीछे भी बहुत सारा खाली पन्ना छोड़ा है, लेकिन जितना नोट्स लेना है, जितना नोट्स लिखना है, वो सब बुक में ही लिखेंगे। आई डू नॉट वॉन्ट अ कॉपी, बिकॉज आप कॉपी में 10 ही पन्ना लिखोगे और फिर अचानक से कोई दिन कौन सा कॉपी आएगा, कोई दिन कौन सा कॉपी आएगा, 4 पन्ना टैक्स, 3 पन्ना अकाउंट, बीच में 1 पन्ना इसका, और फिर एग्जाम के पहले ट्रेजर हंट शुरू कर दोगे, कौन सा कॉपी का कौन सा पन्ना में क्या लिखा था। अवॉइड, जितना नोट्स लेना है एक ही जगह लिखेंगे, एक ही जगह कन्वीनियंटली पढ़ाई कर पा रहे होंगे, ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। एवरी नोट्स दैट वी विल टेक वी विल कीप इट एट वन प्लेस इन द बुक इटसेल्फ, ठीक है ना? ओके, रीड करिएगा प्लीज पहला 3 लाइन इन्फॉर्मेशन का। उसके बगल में लिखना गीगो कॉन्सेप्ट। कोई बता सकता है व्हाट इज गीगो? गार्बेज इन गार्बेज आउट। इन हिंदी भी से जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। इन इंग्लिश भी से एज यू सो सो यू रीप। सो The क्वालिटी ऑफ इनपुट defines द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अगर गार्बेज इज what goes इन, देन गार्बेज इज what कम्स आउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं वर्ल्ड का बेस्ट मशीन लगा दू, मैं वर्ल्ड का बेस्ट IAS लगा दू, लेकिन अगर मेरा डेटा बेस खराब होगा तो इन्फॉर्मेशन खराब ही निकलेगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम जितना भी अच्छा हो, बट द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ डेटा बेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज अ डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ डेटा। सर डेटा के लिए भी हमने कहा था कलेक्शन ऑफ डेटा, सर डेटा और डेटाबेस सर एक ही है सर, बस खाली बेस लगा दिया। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज डेटा, कलेक्शन ऑफ जहां पे सारा डेटा स्टोर किया हुआ। तो अगर मैं सारा डेटा को हार्ड डिस्क में रखूंगा अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को डेटाबेस बोलेंगे? यस नो? So then what is DBMS? एक एक्सेल फाइल देखा है, इसमें भी सभा नहीं बोला? यस ओके। एक एक्सेल फाइल में बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। इन एक्सेल लैंग्वेज इफ आई से A3, यू अंडरस्टैंड इज A3 एंड नॉट ऑडी A3, ठीक है ना? तो अगर मेरा स्कूल वाला एग्जाम्पल, अगर मैं वो सारे स्टूडेंट का फैक्ट्स एंड फिगर्स एक एक्सेल फाइल में रखूं, तो आई विल नॉट कीप इट रैंडमली A3 देन B5 देन C10 देन D12 देन E12 देन E2 F2। आई विल कीप इट इन अ प्रॉपर अरेंज्ड मैनर। एनी सिंगल फाइल और अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स वेयर ऑल द डेटा इज केप्ट इन अ सिस्टमैटिक एंड अरेंज्ड मैनर इज कॉल्ड अ डेटाबेस। क्या है डेटाबेस? कुछ नहीं, एक फाइल भी हो सकता है या बहुत सारा फाइल होगा जहां सारा डेटा सिस्टमैटिक और अरेंज मैनर में रखा होगा, उसको डेटाबेस बोलते हैं। लॉजिकली समझना, जहां सारा डेटा रखा होगा, सारा डेटा सिस्टमैटिक अरेंज मैनर में रखा हुआ होगा, उसको डेटाबेस बोलेंगे। आर यू विद मी एवरीवन? ओके, गीगो कॉन्सेप्ट सेज गार्बेज इन गार्बेज आउट। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इनपुट्स, द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ डेटाबेस। मैं वर्ल्ड के बेस्ट शुगर केन जूस मशीन में सड़ा हुआ गन्ना डालूंगा तो जूस सड़ा हुआ ही निकलेगा, ठीक है ना? मेरा सिस्टम जितना भी अच्छा हो, द क्वालिटी ऑफ इनपुट विल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? यस
एवरीवन, ओके, गीको कॉन्सेप्ट पेज 2.1 में आना पीछे, चैप्टर 1 का स्टार्टिंग, चैप्टर 2 का स्टार्टिंग, टॉप में थोड़ा सा खाली जगह मिलेगा, वहां पे ड्रॉ करना ना, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो समझा रहा था वही चीज ड्रॉ करके दिखा रहा है आपको। डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग। पेज 2.1 में जो ऊपर खाली जगह है ना, वहां पे ड्रॉ कर लेना और छोटा छोटा करके ड्रॉ करना। अभी बहुत कुछ है हमारे पास, पूरा 25% यूज करेंगे, डोंट वरी। ओके, और एक चीज बताओ ना, डिस्कशन मोड हमारी क्लासेस ना, आई कीप गिविंग इंस्ट्रक्शंस एज एंड व्हेन आई रिमेंबर देम, प्लीज टेक रनिंग नोट्स। पहला चीज, मैं जहां तक है आपको लिखवाऊंगा, मेरे को जितना चीज रेलेवेंट लगेगा मैं लिखवाऊंगा, पर हो सकता है मैंने बीच में कुछ लाइन्स कही या मैंने कुछ बीच में डिक्टेट किया या डिस्कस किया जो आपको रेलेवेंट लगा, स्क्रिबल करते चलो। आज से 2 महीने बाद आपको वही याद रहेगा इजीली। इनफैक्ट बिलीव मी, आस्क पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स मई में, नवंबर में, आस्क देम, दे विल टेल यू क्लास डिस्कशन सबसे ज्यादा इजीली याद रहता है, वो क्लास का एग्जाम्पल्स, वो डिस्कशंस। टेक नोट ऑफ ऑल दैट, इट विल हेल्प यू रिटेन ऑल द डिस्कशंस, इट विल हेल्प यू रिकॉल एंड रिवाइज इन एज वेल। सेकेंडली, हमारी क्लासेस 3 मोड में काम करती है। पहले डिस्कशन मोड, हर चीज डिस्कस करेंगे, फिर रीड एंड राइट मोड, जितना रीड करना होगा रीड करेंगे, जितना लिखना होगा लिखते चलेंगे। डिस्कशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, नॉलेज को गैदर करना। रीड एंड राइट मोड में एग्जाम ओरिएंटेड चले जाएंगे, एग्जाम के लिए हमें कितना रीड करना है कितना लिखते चलना है। आर यू वेरी क्लियर विद दिस? जब डिस्कशन कर रहे हैं तब हम एग्जाम ओरिएंटेड से मतलब नहीं है, तब डिस्कशन मोड पे हैं हम, लेकिन जब रीड एंड राइट मोड पे जाएंगे तब हम एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएंगे कि एग्जाम के लिए मेरे को 4 लाइन चाहिए सर, 4 लाइन जितना कंटेंट डेवलप करना है मेरे को। Are you very clear with this? No? So let's be smart enough. जैसे हमारा good night होता है ना, active mode and double active mode. वैसे हम भी अलग-अलग mode में काम करते हैं. तो सबसे पहले discussion mode, फिर read and write mode. Okay, discussions. खाली सुनना है, book नहीं चाहिए मुझे, खाली discussions करना है आपके साथ. Information हर business को चाहिएगा, yes or no? Yes. अगर मुझे information चाहिए तो आप बता सकते हो किस type का information चाहिएगा? What will be the general characteristics of the information that a business will require? Shoot, whatever comes to your mind. So, what kind of information will I want for my business? Okay, PESEL. नहीं, मतलब what, वो तो कौन कौन सा information चाहिएगा मेरे को, PESEL वाला, लेकिन मैं बोलो क्या क्या type का characteristics of the information that I will require, as in if a business manager needs information, तो उसको क्या characteristics of information चाहिएगा? Accurate होना चाहिए, okay? ओके, रेलेवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इट शुड बी कंक्लूसिव होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, व्हाट एल्स? डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, व्हाट एल्स कम्स योर माइंड? इट्स व्हेन वी डू डिस्कशन वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट, क्योंकि जो जो चीज आप बिना बुक में देखे इंट्यूटिवली सोच सकते हो वो एग्जाम में भी बहुत इजीली क्लिक करेगा, इसलिए थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मटीरियलिटी इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंट होना चाहिए, वापस रेलेवेंट ही तो हो गया, मटीरियलिटी भी थोड़ा सा, या लेटेस्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, ओके? वापस एक्सप्लिसिट होना चाहिए, ओके? एक्सप्लेन्ड होना चाहिए प्रॉपरली, ओके? प्रेजेंटेड प्रॉपरली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सोर्स ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू रिलायबिलिटी, इफ यू अंडरस्टैंड। कैसे?
इफ द सोर्स इज ट्रांसपेरेंट तो मुझे पता होगा वो कहां से आया है, और अगर मुझे पता होगा कहां से आया है सो आई कैन बेटर रिलाय अपॉन. इफ यू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेज यू विल फर्स्ट वॉन्ट टू वैलिडेट द इन्फॉर्मेशन. सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं. If I get information from unknown sources, I will want to validate the information. But if I get the information from known sources, I will immediately be willing to rely upon that. Hence, source transparency. Okay, what else? Unambiguous. Confusing nahi hona chahiye. Clear hona chahiye. Conclusive hona chahiye. Okay. Qualitative in terms of सैचुरेट हो गया है सर. अब आप आगे कंट्रीब्यूट करें. मोस्ट पॉइंट्स वी आवर बुक विल हैव सेवरल पॉइंट्स. लॉट ऑफ पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. कुछ कुछ नया नया पॉइंट्स हमारे बुक में आने वाला है. ऑब्वियसली कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स जैसे करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. अगर इंफॉर्मेशन आधा अधूरा होगा तब तो वो डेटा हो गया सर. इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट. एक मिनट, कोई बोल सकता है कंप्लीटनेस और करेक्टनेस में कोई फर्क है क्या? स्पेलिंग को छोड़ के कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस. ओके, करेक्टनेस सही होना चाहिए, कंप्लीटनेस पूरा होना चाहिए. हो सकता है कोई चीज कंप्लीट होके भी इनकरेक्ट हो सकता है कोई चीज इनकंप्लीट होके भी करेक्ट हो. So completeness and correctness are different things. Is completeness and adequacy the same? I'm just trying to think on the words. Complete and adequate. Information apne respect mein complete hona chahiye. Okay, good. What? मेरे लिए एडिक्वेसी सफिशियंसी. मेरे लिए सफिशियंट होना चाहिए, जितना मुझे चाहिए डिसीजन लेने के लिए उतना है या नहीं, दैट्स एडिक्वेसी. लेकिन अपने आप में इंफॉर्मेशन पूरा है या नहीं, दैट्स कंप्लीटनेस. ये सब वर्ड्स आने वाले हैं बुक में, तो हम तो खाली एक बार ड्रॉप कर करके डिस्कस करें. इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. वी विल ऑलवेज डिस्कस जब भी मैं कोई भी टॉपिक आऊंगा, और मेरे ऑलमोस्ट 26-27 क्लासेस में कम से कम 26-27 बार ये टॉपिक आने वाला है. वी विल डिस्कस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कोई भी काम करेंगे तो सर कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करेंगे. इंफॉर्मेशन में सर कैसा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? इंफॉर्मेशन को पाने का खर्चा और इंफॉर्मेशन से बेनिफिट. नो रैशनल पर्सन विल वॉन्ट टू स्पेंड 10 रुपीज इफ द बेनिफिट इज गोना बी 9 रुपीज. नॉन रैशनल का पता नहीं. कोई भी रैशनल आदमी अगर 10 रुपया खर्चा करेगा तो मिनिमम 10 रुपया का बेनिफिट चाह रहा होगा. यू लॉजिकली गेटिंग दिस क्या? तो इंफॉर्मेशन के लिए भी हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, उसको पाने का खर्चा कितना और उससे बेनिफिट्स कितना. आर यू गेटिंग ऑल दिस? यस, ऑलमोस्ट सारा पॉइंट्स बुक का कवर हो गया. कुछ कुछ बचाए, आइएगा डिस्कस करते हैं. पेज 2.3 2.3 इंफॉर्मेशन के नीचे एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या? एट्रीब्यूट्स के बगल में लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स आया, बोला नहीं सर एट्रीब्यूट्स पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा ही नहीं. एट्रीब्यूट्स के बगल में लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सबसे पहला पॉइंट अवेलेबिलिटी मिल रहा है क्या? अवेलेबिलिटी यानी बगल में लिखना टाइमलीनेस. अवेलेबिलिटी के बगल में लिखना टाइमलीनेस. टाइमलीनेस समझ में आ रहा है क्या? आज इंफॉर्मेशन चाहिए, आप 2 दिन बाद लाके दो, काम का नहीं है सर मेरे लिए. मेरे को तो आज डिसीजन लेना है, आज इंफॉर्मेशन चाहिए. अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस. सेकंड पॉइंट पर्पस ऑब्जेक्टिव. समझ में आ रहा है क्या नाम से ही? सर जो पर्पस है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑब्जेक्टिव मीट करना चाहिए. आई नीड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन. मेरे को ये चाहिए, आप ये लाके दे रहे हैं, फायदा क्या सर? इट मस्ट मीट माई पर्पस, इट मस्ट मीट माई ऑब्जेक्टिव. थर्ड, मोड एंड फॉर्मेट मिल रहा है क्या? थर्ड, मोड एंड फॉर्मेट ये हम 2 मिनट बाद समझाएगा, रुक जाते हैं. करंट एंड अपडेटेड 2 मिनट बाद आएगा. रेट बाद में आने वाला है, फ्रीक्वेंसी बाद में आने वाला है. कंप्लीटनेस एंड एडिक्वेसी में आइएगा. कंप्लीटनेस एंड एडिक्वेसी अभी अभी डिस्कशंस में आ रहा था. कंप्लीट पूरा होना चाहिए, एडिक्वेट सफिशियंट होना चाहिए.
नेक्स्ट रिलायबिलिटी डिस्कशंस में आ चुका ऑलरेडी, आपने कहा था रिलायबल होना चाहिए सर। नेक्स्ट वैलिडिटी, वैलिडिटी का अगर आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे सो यू विल रियलाइज इट इज सेम एज योर सेकेंड पॉइंट, हाउ क्लोज द इंफॉर्मेशन इज टू द पर्पस, मिल रहा है क्या? आर यू विद मी? सेम पॉइंट है खाली क्वालिटी, नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? बगल में लिखना करेक्टनेस, क्वालिटी के बगल में लिखना करेक्टनेस, ठीक है ना? करेक्ट होना चाहिए, ऊपर कंप्लीटनेस का बात किया था, नीचे करेक्टनेस का बात करेगा, फर्क है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, डिस्कशंस में आया था, आप लोगों ने भी बताया था ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, द सोर्स मस्ट बी नोन, बगल में लिख लीजिएगा द सोर्स मस्ट बी नोन। नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, बगल में लिखना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बगल में लिखना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इंफॉर्मेशन को पाने का खर्चा कितना और इंफॉर्मेशन से बेनिफिट्स कितना, कॉस्ट को बेनिफिट को एनालाइज कर रहे होंगे। ऊपर आना, सबसे पहले आइएगा करंट एंड अपडेटेड वाला पॉइंट में, मिल रहा है क्या? ये भी डिस्कशंस में आया था, आपने कहा था लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं आईपीएल 2016 के बारे में, सर आउटडेटेड है सर, क्या लेना देना, ठीक है ना? What is relevant is IPL 2017, sir. You talk about 17, you talk about Champions League 2017, sir, it's valid. You talk about 2016 and 15, sir, it's invalid. Are you getting this? Yeah? I'm saying, कोई भी चीज relevant, latest होना चाहिए, updated होना चाहिए, current होना चाहिए. Outdated होगा तो relevant नहीं होगा मेरे लिए. Next, rate. Rate का अगर आप first line notice करेंगे, it says, rate is rate of transmission, मिल रहा है क्या? रेट ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस स्पीड से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है। आप इंफॉर्मेशन किसी कबूतर के साथ भेजते हैं, आप इंफॉर्मेशन इंडियन पोस्ट से भेजते हैं जो दो चार दिन में शायद पहुंचेगा, या आप कोरियर से भेजते हैं जो शायद एक दिन या दो दिन में पहुंचेगा, या ईमेल से भेजते हैं जो स्प्लिट सेकेंड्स में पहुंचेगा। सो व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, आर यू गेटिंग दैट? नो, फर्स्ट लाइन रेट, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, किस स्पीड से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। पहला पॉइंट बोला टाइमली होना चाहिए, सेकंड पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव का बात किया, करंट अपडेटेड का बात किया, फोर्थ स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन का बात किया, कंप्लीट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, वैलिडिटी का बात किया, रिलायबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी सोर्स का होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन का बात किया, क्वालिटी करेक्टनेस का बात किया हमने। ऊपर मोड एंड फॉर्मेट वाले पॉइंट में समझाएगा, एक मिनट बोर्ड पे देखना, मोड एंड फॉर्मेट वाला पॉइंट क्या बोलता है? The format in which the information is being presented, the format in which the information is being presented, आज exam में अगर आप एक answer लिख रहे हैं तो कुछ लोग answer को इस तरह लिखते हैं, ये वैसे exam में answering pattern भी समझा रहा है आपको। Yes? ये सबसे वाहियात concept है answer लिखने का। Yes. क्योंकि इसके अंदर आप एग्जामिनर के साथ छुपा छुपी खेल रहे हैं, आपने बुलेट बनाया, पैराग्राफ में छुपा दिया, एग्जामिनर को बोला ढूंढो, वो भी धप्पा कर देगा, ठीक है ना? आइडियली हम एग्जामिनर के साथ कोई गेम्स नहीं खेलने वाले। सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम में अगर आपको आंसर को प्रेजेंट करना है तो आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे। In this format, what happens is, if I come to this page, whether I like it or not, मेरे को आपका ये headings पढ़ना ही पड़ेगा। I will have to read your points. You're forcing me to read your headings and points. That's how you create a heading. That's how you create a point. ये point बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि point मेरे को ढूंढना पड़ेगा as an examiner. We can't use two inks. We use only one ink. So I will have to search within the paragraph for the point. कोई फायदा नहीं है. This is the best method to write the answer when you know the answer. Obviously. This is the best method to write the answer when you don't know the answer. West Bengal board style. I have nothing against West Bengal board, but obviously that's the best method. The idea is the manner in which the information is presented. समझ में आ रहा है क्या? आपकी दुनिया में आते हैं सर, मेरे को कंपनी का परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, मेरे को कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, मैं बड़ा बड़ा ऐसे लिख सकता हूं, मैं बड़ा बड़ा ऐसे लिख सकता हूं जिसको कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, मैं उसी को टैब्यूलर पीएल बैलेंस शीट बनाकर दे सकता हूं,
मैं उसी को पाई चार्ट डायग्राम्स के थ्रू रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, बुलेट्स बना बना के दे सकता हूँ. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो, आई एम सीइंग द मैनर व्हिच द इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड, द मोड एंड फॉर्मेट वाला पॉइंट. आर यू विद मी? Even if the answer heading occupies a major part of the answer, let's say the heading is too big, even then I will, let's say, take certain part of it. But the heading ka kuch part hame hamesha chhod ke rakhna chahiye. Okay, that has to highlight the point. It has to be that way. Theek hai? Are you understanding all this? No? Mode and format, the manner in which the information is being presented to the info users. Attributes mein mode and format hona chahiye. Kis mode mein information mil raha hai mujhe? Okay. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट, एक पॉइंट बचा है हमारा. फ्रीक्वेंसी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसके लिए दो मिनट बुक को छोड़ दीजिए, पहले समझना है आपको. फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? लेट्स से आईटीसी हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ अराउंड 45,000 crores. 45,000 crores, डोंट इवन काउंट द जीरोस. इट हैज एक्सपेंसिव अराउंड 38,000-39,000 crores, टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ अराउंड मोर देन 80,000 crores. उसका जितना भी स्टेटमेंट्स बनेगा वो सारा रुपीस इन करोड़ बनता है ऑब्वियसली. अब रुपीस इन करोड़ में जब वो वीकली रिपोर्ट बनाता है, व्हेन इट मेक्स अ वीकली रिपोर्ट, ओके, आई हैव अ वीकली डेविएशन ऑफ 30 लाख, वो राउंडिंग में इग्नोर हो जाता है सर, क्योंकि अगर टारगेट और एक्चुअल के बीच में डेविएशन सिर्फ 30 लाख का, तो 0.30, तो 0.30 राउंडिंग में ही एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच The deviation may not be visible clearly. लेकिन वही weekly report की जगह जब हम monthly report बनाएगा तो वो deviation एक बड़ा figure है, absolute figure बन के मेरे को दिख रहा होगा. वही monthly की जगह अगर हम quarterly report बनाएगा तो वो deviation और एक बड़ा prominent deviation बन के दिख रहा होगा. वही अगर हम एक annual figure annual report बनाएगा तो वो हर हफ्ता का deviation मेरे लिए एक बड़ा problem बन के दिख रहा होगा. If you are understanding what I'm trying to say, annual report has more value than a half yearly report has more value than a quarterly or a monthly report has more value than a fortnightly or a weekly report, because the deviations will be more prominent and clear. Chota jitna report kamti duration ka hoga, utna deviation clearly visible nahi hoga. Point samajh mein aaya kya? Yes. Ek baar frequency wala 3 line read karo na, doubt hoga to further discuss karte hain. Ek baar 3 line read kariyega. क्या चीज? अच्छा, क्लियर हो रहा है पॉइंट अपना? लास्ट सेंटेंस में और प्रोमिनेंटली समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल द वीकली रिपोर्ट शोज लिटिल चेंजेस एज कंपेयर टू द क्वार्टरली एंड कॉन्ट्रीब्यूट लेस फॉर कंपेयरिंग फॉर एनालिसिस. वीकली रिपोर्ट से वो प्रोमिनेंट समझ में ही नहीं आएगा परफॉर्मेंस उतना अच्छा है या नहीं. वही वीक कंसोलिडेट करके मंथली या क्वार्टरली या एनुअल फिगर बनेगा तब वो प्रॉपर समझ में आने वाला. Are you very clear with this? और एक important instructions. मेरी book में most cases में सिर्फ bullets बनाए हुए हैं. जब भी आपको bullets मिलेंगे, you must number the bullets. You must make it a habit to do numbering of the bullets. So, क्या फर्क पड़ता है? Exam में एक visual image create हो जाएगा. Please be rest assured, हम institute के math से क्यों पढ़ते हैं? मेरे लिए बहुत convenient है मेरा math से पढ़ाना, which is a very summarized module. लेकिन इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर के पास और जो चेकर होगा उसके पास अल्टीमेटली इसी का आंसर कट पेस्ट करके दिया हुआ होगा. अगर आप यही पढ़ेंगे तो इसी का लैंग्वेज लिख रहे होंगे, इसी का लैंग्वेज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं. सो वी विल स्टडी दिस लैंग्वेज. हम इसी बुक को 5 बार पढ़ रहा होगा तो हम ऑलमोस्ट बुक लैंग्वेज लिखेगा. हमको बुक का लैंग्वेज रटना नहीं, हमको याद नहीं करना, लेकिन हमको बुक का लैंग्वेज 5 बार पढ़ना है. और वो पढ़ के अपने आप आई विल गेट दैट बुक लैंग्वेज, आई विल अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, आई विल बी एबल टू राइट सिमिलर लैंग्वेजेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेकिन अगर बुक से भी पढ़ रहे हैं तो वो अगर बुलेट्स का नंबरिंग करते हैं ना तो एग्जाम हॉल में रिकॉल करना बहुत याद इजी हो जाता है. सर वो याद रहता है सर, लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज में था, ऊपर में था, 6 पॉइंट था.
ये बात और है सर, पॉइंट याद नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन वो विजुअल इमेज याद रहता है सर, कहाँ पे था सर वो पॉइंट्स। तो इट हेल्प्स यू इन रिकलेक्टिंग, 6 पॉइंट वाला टॉपिक था, 8 पॉइंट वाला टॉपिक था, इससे रिटेंशन ज्यादा इजी होता है। नंबरिंग करेंगे, जहां बुलेट्स मिलेगा नंबरिंग करते चलिएगा। कितना बुलेट्स मिल रहा है वैसे आपको? सबको 12 मिल रहा है ना, सेम ही होना चाहिए। ओके, आज तक सीए फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया व्हाट आर द 12 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। नाउ हाउ डू यू राइट अ गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर, तीन अलग अलग आंसर्स का कैटेगरीज है। मेरा पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। अगर एक 6 मार्क का क्वेश्चन आया, अ गुड आंसर दैट विल स्कोर एटलीस्ट 4, 4.5 out of 6 इज यू गिव मी 6 black headings फ्रॉम द बुक। ब्लैक हेडिंग बुक का होना चाहिए एंड यू राइट 2 simple sentences इन योर ओन लैंग्वेज, सेम कंटेंट। लोग मेरे को पूछते हैं सर बुक का लैंग्वेज याद करना पड़ेगा क्या? सर मेरे को सीनियर्स ने बोला था बुक का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, बुक का लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। ऑल रॉट, ये उन लोगों को होता है जिनको खुद को रटना याद अच्छा लगता है और वही चीज पास ऑन करते जाते हैं। एकदम भी नहीं, ऐसा कोई एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप वर्बैटिम बुक का लैंग्वेज याद करके आएंगे, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सेम कंटेंट हमें दे रहे होंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप अपने लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं सर, शुरू कहाँ करते हैं और कहाँ खत्म कहाँ होता है सर, ठीक है ना, वो अपना वर्ड शुरू होता है सर, खत्म कहीं और जाके ही होता है। जस्ट टू डिस्कस वन सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना, आपको लिखना है माय नेम इज संजय खेमका। आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे संजय खेमका इज माय नेम, माय नेम इज संजय खेमका, संजय खेमका इज माय नेम। एग्जामिनर को इंग्लिश आता है इतना भरोसा रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर आप इसको अपना लैंग्वेज करना शुरू करते हैं, संजय खेमका वॉज माय नेम। फिर आप बोलते हैं सर हम एग्जैक्ट बुक का लैंग्वेज लिख कर ऐसा संजय खेमका, संजय खेमका माय माय नेम नेम। आपने इसका वॉज किया, मीनिंग चेंज हो गया। एज लॉन्ग एज द मीनिंग डज नॉट चेंज, यू गिव मी द सेम कंटेंट इन योर ओन लैंग्वेज, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। 100% सही है आपका आंसर, ठीक है ना। आप मुझे 6 black headings देना, आप मुझे 6 black headings देना, उसको सिंपल अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आना, मिनिमम 4 to 4.5 out of 6 आपका गारंटीड है। अच्छा प्रेजेंटेशन सब कुछ अच्छा हुआ तो 5 out of 6 भी हम आपको दे सकते हैं। और एक वेरी गुड आंसर, ऑलमोस्ट अ नियर परफेक्ट आंसर इज, वेरी गुड आंसर इज वे यू गिव मी अराउंड 7 or 8 points out of 6। 6 मार्क का तो भी हम 2 extra क्वेश्चन के लिए 7-8 point एक्सप्लेन करके आता, दैट्स लाइक अ वेरी गुड आंसर। यू गिविंग मी श्योर शॉट 5, 5.5। अ परफेक्ट आंसर फॉर मी परफेक्ट आंसर इज यू गिव मी 6 मार्क का क्वेश्चन, यू एक्सप्लेन 6 or 7 points and then you write other attributes include 1, 2, 3, 4, 5. That's like telling him मेरे को सारा आता था लेकिन इतने marks में इतना ही मिलेगा, ठीक है ना। Why will I explain for a 6 mark question all the 12 points? Let's, I'm just discussing different ways by which you can write the answer. अगर 6 mark का question है मेरे को 12 point explain तो definitely नहीं करना है sir। लेकिन अगर 12 आता है तो हम show off करके आएंगे ना sir, exam में आता है तो क्यों नहीं लिखेंगे। So, हम एक्सप्लेन करेंगे 6 या 7 points, बाकी का नाम लिखकर आ जाएंगे अदर एट्रीब्यूट्स इंक्लूड 1, 2, 3, 4, 5। दैट्स लाइक अ परफेक्ट आंसर फॉर मी। आर यू विद मी? यस, ओके, कंटिन्यू करते, बुक में आना ना, नेक्स्ट पेज में आइएगा, कम टू पेज 2.5। सिस्टम वर्ड मिल रहा है टॉप ऑफ द पेज में, उसके ऊपर लिखना टॉप ऑफ द पेज में अ सिस्टम इज अ, एक डेफिनेशन लिखवाएगा, अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ, a system is a set of interrelated, interdependent, a system is a set of interrelated, interdependent elements, a system is a set of interrelated, interdependent elements that operate collectively. A system is a set of interrelated, interdependent elements that operate collectively towards a common purpose or a goal. Towards a common purpose or a goal. Okay. उस definition में ना 2-3 point mark करेंगे हम लोग। इंटर रिलेटेड पॉइंट नंबर 1, उसको पॉइंट नंबर 1 कर देना, अंडरलाइन विद सम अदर कलर पेन और समथिंग, और पेंसिल समथिंग, एंड जस्ट राइट इट एज पॉइंट नंबर 1।
इंटर रिलेटेड पॉइंट नंबर वन, इंटर डिपेंडेंट पॉइंट नंबर टू, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट कॉम्पोनेंट्स पॉइंट नंबर थ्री, एलिमेंट्स पॉइंट नंबर थ्री, एलिमेंट्स पॉइंट नंबर थ्री, ऑपरेट कलेक्टिवली पॉइंट नंबर फोर, कॉमन पर्पस और गोल पॉइंट नंबर फाइव। ये क्यों मार्क किया मालूम है? मेरे बुक में एक टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, बुक बोलेगा देर आर वेरियस कॉम्पोनेंट्स, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटर डिपेंडेंट, दे वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ कॉमन टारगेट और अ गोल। हम डेफिनेशन से ही फ्लो इन करवाएंगे ना। आर यू वेरी क्लियरली गेटिंग दिस? नो, डेफिनेशन से ही मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर होने वाला है आगे चल के। सिस्टम क्या है सर? वो सारे टुकड़े कॉम्पोनेंट्स जो इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है और मिलकर काम करते हैं टूवर्ड्स अ कॉमन पर्पज और अ गोल, उन टुकड़ों को हम एक सिस्टम बोलेंगे। आर यू वेरी क्लियर विद दिस? यस एवरीवन, सेम पेज। नीचे आइएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। डायग्राम में खाली देखना ना, मैं पहले खाली डिस्कस कर रहा हूं। डायग्राम में खाली नाम देखिएगा, साथ में डिस्कस करेंगे, फिर बुक में चलेंगे, रीड एंड राइट करेंगे, जो भी करना होगा। सबसे पहला बाइफरकेशन बोलता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, सबसे पहला बाइफरकेशन बोलता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम एंड फिजिकल सिस्टम। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम एंड अ फिजिकल सिस्टम? नाम से ओके, सो फिजिकल इज टैंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट इज इनटैंजिबल। एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट इज नॉट डिफाइंड, समथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, दैट कैन नॉट, हवा में चलता है, दैट डज नॉट हैव अ टैंजिबल और अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम विल बी अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर भी सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यस, सॉफ्टवेयर के सारे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं टूवर्ड्स अ कॉमन पर्पस और अ गोल, डेफिनेशन से। लेकिन सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सॉफ्टवेयर सीडी में आता है, सीडी में स्टोर्ड होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। Are you with me? Tangible systems का, physical system का best examples, machinery, AC, human body, best examples, tangible systems. Second bifurcation बोलता है open systems and closed systems, मिल रहा है क्या? Are you with me? Open systems and closed systems, कोई नाम से बता सकता है open system and closed system में क्या फर्क होगा? सर open में खिड़की होगा, closed में नहीं होगा। open में anyone can use it, closed में जिसको अलाउ करेंगे खाली वही एक्सेस कर पाएगा। ओपन सिस्टम हैज टू डील विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो, क्लोज सिस्टम खाली इंटरनल, डज नॉट डील विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट? सर हद हो गया, एक घंटा से खाली आप तो मतलब इंग्लिश टेस्ट ले रहे हैं हमारा। व्हाट इज एनवायरनमेंट? ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स। सर हमसे पूछेंगे तो सर एनवायरनमेंट यानी बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर होता था सर, हमने तो वही पढ़ा था। ओके, अगर एक बिजनेस के लिए बात करूं, लेट्स से ये एक सिस्टम है ए, तो अगर एक कॉमन वर्ल्ड में बात करें तो कैन आई से दिस इज एनवायरनमेंट? यस, सराउंडिंग्स। क्या आप अब बता सकते हो व्हाट इज द सिस्टम एंड व्हाट इज द एनवायरनमेंट? कोई भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बाउंड्री, बिकॉज द बाउंड्री टेल्स मी व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट। ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा कमर्शियल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, एग्जाम्पल देके ज्यादा अच्छे से समझोगे। एक कंपनी का इंप्लॉई होगा जो वेरिएबल पे पे काम कर रहा होगा, सेल्स इंप्लॉई, सेल्स टीम, जो खाली ओनली वेरिएबल पे भी काम कर सकता है, और एक कमीशन एजेंट भी हो सकता है जो ओनली वेरिएबल पे काम कर रहा होगा। दोनों का पे ओनली वेरिएबल होगा, लेकिन दोनों में फर्क है, क्योंकि इंप्लॉई के ऊपर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होगा, एजेंट फिर भी बाहर वाला थर्ड पार्टी रहेगा। आई नीड टू ड्रॉ अ लाइन, आई नीड टू नो कौन अंदर वाला है और कौन बाहर वाला है।
दैट बाउंड्री डिफाइंस हु इज एन इनसाइडर, हु इज एन आउटसाइडर, हु इज अ सिस्टम, हु इज एन एनवायरमेंट. आर यू गेटिंग ऑल दिस? ओके, ये खाली साइड टॉपिक था एनवायरमेंट वर्ड, क्योंकि अभी मेरे डिस्कशंस में आ रहा है इसलिए मैं एनवायरमेंट वर्ड समझा रहा था. एक एक वर्ड जब आएगा तो सीखेंगे, बिकॉज आईएएस की दुनिया, इसका की दुनिया सिंपल है. बट प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्ट वर्ड्स हमारा समझा हुआ नहीं होता, और बिना समझे हुए जब हम उसको रटने का कोशिश करते हैं तो एक अलग दुनिया में घुस जाते हैं. समझते हैं चीजों को? ओके, और एक चीज समझो ना, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में फर्क क्या है. एंड ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम that will interact freely with the environment. What do I mean by interact freely with the environment? There will be no restrictions on the interaction with the environment. It can have any amount of interaction with the environment. Whereas, a closed system will have zero interaction with the environment. अगर एक basic system का बात करें, तो बचपन से एक ऐसा diagram देखा होगा. हाँ या ना तो बोलो. कंप्यूटर भी बचपन में ऐसा सा कुछ बताते थे, इनपुट सीपीयू आउटपुट. यस नो भी बोल सकते हो वैसे, आप जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना? ओके, इन अ ओपन सिस्टम यू कैन हैव एनी इनपुट्स एंड एनी आउटपुट्स विद द एनवायरमेंट. बट इन अ क्लोज सिस्टम डायग्राम समझना, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी लेटर. इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज जीरो इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट. अगर आप लैंग्वेज समझोगे, ऑल द आउटपुट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड ऑल द इनपुट इज सेल्फ जनरेटेड. वी हैव जीरो इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट, दैट्स अ क्लोज सिस्टम. एन ओपन सिस्टम हैज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट. देयर इज नो कंट्रोल ओवर इट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस. आर यू विद मी? Closed system is a theoretical concept. मेरे book में भी जो example दिया गया है closed system का, वो fully closed नहीं है. हमारे पुराने books में इन दोनों के बीच में और एक concept होता था, और एक concept होता है. Discussion में दे रहा हूँ, book में नहीं लिखवाऊंगा, because exam के लिए relevant नहीं है, लेकिन discussion में समझना है. Open closed के बीच में एक और दुनिया होती है जिसको हम बोलते हैं relatively closed. What do you mean by relatively closed? In a relatively closed system, हम pre-define कर देंगे, बस इतना ही inputs आएगा और बस इतना ही outputs बाहर जाएगा. We pre-define it. For example, मेरे book में example है closed system का, digital use and throw watch. सुनना, digital है यानी input battery से चल रहा है, input is self-generated. And use and throw है यानी replace करने का भी option नहीं है, तो पूरा one time use हो गया अपने लिए. लेकिन एक वॉच का आउटपुट क्या है? टाइम. और वो टाइम किसको दे रहा है? यूजर को. आर यू विद मी? आउटपुट तो यूजर पार्ट ऑफ द सिस्टम है या एनवायरमेंट, पार्ट ऑफ द वॉच है या एनवायरमेंट? वॉच के लिए तो एनवायरमेंट हो गया, सो आइडियली आउटपुट तो अभी भी एनवायरमेंट में जा रहा है. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई भी फुल्ली क्लोज सिस्टम हो ही नहीं सकता. इंडिया बिफोर 1991 वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, पर हम फुल्ली क्लोज नहीं थे, हम फिर भी अफेक्ट होते थे जो भी बाहर होता था. सो वी कैन बी फुल्ली क्लोज्ड इन एवरी सेंस. रिलेटिवली क्लोज्ड क्या होता है? प्री डिफाइन कर देते हैं कि बस इतना अलाउड होगा और बस इतना अलाउड होगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस? ओपन सिस्टम में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस. एनी अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज अलाउड. आप कुछ भी टाइप का इनपुट्स वगैरह कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. एनी इनपुट एनी आउटपुट इज अलाउड. AC is a relatively closed system, predefined है. बस ये input आ सकता है, बस ये output जा सकता है. ये input होगा, ऐसे input होगा और बस ऐसे output होगा. Are you getting what I'm trying to say? Book में concept है open systems and closed systems का, लेकिन practical world में बात करें तो closed सिर्फ एक theoretical concept है. Practical world में example नहीं मिलेगा. Practical world में या तो open system मिलेगा या relatively closed system मिल रहा होगा. Are you with me? हम तो सिर्फ systems की बात कर रहे हैं. और एक minute. एक मिनट एवरीवन, अभी तक मैं सिर्फ सिस्टम वर्ड का बात कर रहा हूं. अभी 15-20 मिनट और वर्ड सिस्टम वर्ड डिस्कस करेंगे और फिर हम चलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम में. लेकिन जब सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं तो उसमें ह्यूमन बॉडी भी कवर्ड है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी कवर्ड है, उसमें एसी भी कवर्ड है, उसमें ऑडियो सिस्टम भी कवर्ड है. हम सिस्टम वर्ड का बात कर रहे हैं. Are you very clearly getting this now? कोई भी मशीन भी कवर्ड है सिस्टम की दुनिया में. सिस्टम टेंजिबल इनटेंजिबल ओपन क्लोज, हम सिस्टम वर्ड का बात कर रहे हैं. फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में चलेंगे आगे चल के. आर यू विद मी?
ओपन सिस्टम्स फ्रीली इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट होगा, क्लोज सिस्टम्स जीरो इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट होगा। अभी रुक जाओ, हम लिखवाएगा, जब हम लिखवाएगा तो सारा जगह हम ही भर देगा, डोंट वरी। अभी पहले समझ लेते हैं सारा डिस्कशंस। पहला टैंजिबल इंटैंजिबल, फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। सेकेंड ओपन क्लोज्ड। थर्ड बाइफरकेशन, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। कोई फर्क बता सकता है क्या तीनों, दोनों में क्या होगा, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड में? मैनुअल सिस्टम रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। एक मैनुअल सिस्टम को चालू करने के बाद भी यूजर का दरकार पड़ेगा, लेकिन एक ऑटोमेटेड सिस्टम को एक बार चालू कर दिया तो वो अपने आप चल सकता है। अगर आप स्मार्ट हो तो आप ये समझोगे, ऑटोमेटेड सिस्टम को भी चालू इंसान को ही करना पड़ेगा, बट वन स्टार्टेड इट कैन डू द एंटायर वर्क ऑन इट्स ओन, दैट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम। बट अ मैनुअल सिस्टम इवन वन स्टार्टेड रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है ना, दैट्स अ मैनुअल सिस्टम एंड अ क्लोज सिस्टम। चौथा, वर्किंग के बेसिस पे दो टाइप का सिस्टम हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक, कोई नाम से बता सकता है क्या फर्क होगा दोनों में? डिटर्मिनिस्टिक में ओके इट्स शॉर्टी, ओके 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 डिटर्मिनिस्टिक नाम से कुछ फर्क समझ में आ रहा है क्या? एब्सोल्यूट, ओके। प्रोबेबिलिस्टिक इज रिलेटिव, माइट चेंज, ओके। डिटर्मिनिस्टिक इज एब्सोल्यूट, ओके। एनीवन एल्स, एनीथिंग, यू आर ऑल राइट, आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग मोर डिस्कशंस इनटू दिस। सो व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिस्टिक? प्रेडिक्टेबल कौन सा? डिटर्मिनिस्टिक, ओके। एंड अनप्रेडिक्टेबल प्रोबेबिलिस्टिक शायद, ओके, कुड बी राइट। क्या दिक्कत है, अपने तो कहीं डिस्कस कर रहे हैं। The chances of more than one outputs, okay? In a deterministic system, the output is known with certainty. Given the inputs, I know the outputs. एक कैलकुलेटर में 2 plus 2 डालेंगे तो आउटपुट आएगा? बाकी लोग सोच रहे हैं क्या? 2 plus 2 डालेंगे तो आउटपुट आएगा 4. ठीक है ना? So ये जो output is known with certainty, calculator is a deterministic system. Are you with me? वैसे कैलकुलेटर इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि हम उसमें डेटा डालते हैं, ये 2 प्लस 2 वो 4 आउटपुट देता है हम लोगों को। इट इज ऑल्सो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, बट इट्स अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक गिवन द इनपुट आउटपुट इज नोन विद सर्टेनिटी, बट वन मिनट, ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। व्हाई? इन डिफरेंट सिचुएशंस द ऑर्गेनाइजेशन मे बिहेव डिफरेंटली। वो ऐसा भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। मेरे कॉम्पिटिटर ने प्राइस 10% घटाया, ऑर्गेनाइजेशन अपना प्राइस 20% घटा सकता है। हम कौन कितना गिर सकता है सर, कॉम्पिटिशन इसी का तो है। हम 20% घटा देते हैं, या उसने 10% घटाया सर, हम मैच कर देते हैं 10%। सर उसने घटाया क्योंकि उसका नहीं बिकता, सर मेरा तो बिकता है, आई विल कीप द सेम। आई एम जस्ट सेइंग दे कैन बी डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट्स, द सेम इनपुट ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव डिफरेंटली। आर यू विद मी? एक रास्ता चलते इंसान को एक बार थप्पड़ मार के देखना, एक्चुअली मत देखना, बट अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, हम तो ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है कुछ अग्रेसिवली रिएक्ट करें, कुछ डिफेंसिवली रिएक्ट करें, कुछ रोने लग जाए, डिफरेंट पीपल में रिएक्ट डिफरेंटली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ह्यूमन बॉडी इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, हम तो ये समझा रहे हैं। आर यू विद मी एवरीवन? ओके, और एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप समझ रहे हो, हर सिस्टम पहला दो में से एक होगा, हर सिस्टम अगला दो में से एक होगा, अगला सिस्टम हर सिस्टम अगला दो में से एक होगा, और हर सिस्टम लास्ट दो में से एक होगा। सर मतलब हर सिस्टम या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या फिजिकल, हर सिस्टम या तो ओपन होगा या क्लोज्ड, हर सिस्टम या तो डिटर्मिनिस्टिक होगा या प्रोबेबिलिस्टिक, हर सिस्टम या तो ऑटोमेटेड होगा या मैनुअल। आर यू विद मी? एक एग्जांपल लेते हैं, एसी, फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट? फिजिकल। ओपन या क्लोज्ड? एक्चुअली रिलेटिवली क्लोज्ड, इट विल ऑलवेज बी डिफाइंड एज रिलेटिवली क्लोज्ड। ऑटोमेटेड या मैनुअल? वन स्टार्टेड इट रन्स ऑन इट्स ओन, ऑटोमेटेड सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक? डिटर्मिनिस्टिक, द आउटपुट इज सर्टेन given the inputs. Are you very clearly understanding this?
कोई भी सिस्टम के लिए, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट या फिजिकल? फिजिकल, ठीक है ना. ओपन या क्लोज्ड? फ्रीली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट, ओपन. ऑटोमेटेड या मैनुअल? मैनुअली रन सर. डिटर्मिनिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक? प्रोबेबिलिस्टिक. आर यू गेटिंग दिस? नो, हर सिस्टम हर कैटेगरी में एक ना एक में फॉल करने वाला है. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, नाउ कम टू द एग्जाम बाइफरकेशन. एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा बोलकर आया हुआ है. अगर आप ये बेसिस का नाम याद रख सके, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरक्शन एलिमेंट्स, कैटेगरी का नाम अगर आप याद रख सके तो बहुत अच्छा. तो नहीं तो आप अलग अलग बोल सकते हैं. ऑन वेरियस पैरामीटर्स वी कैन कैटेगराइज, ऑन फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट बेसिस, सेकेंड बेसिस, थर्ड बेसिस, फोर्थ बेसिस. अगर बेसिस याद रहा तो बहुत अच्छा, नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन चार आठों नाम याद रहना चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकल, ओपन, क्लोज्ड, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल. बुक में कुछ कुछ रीड करेंगे, जहां जरूरत होगा लिखते चलेंगे. बुक में आना क्या वापस? सॉरी, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, बट दैट्स नॉट अ सिस्टम. नो, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो एज इन फिक्स्ड. मतलब कोई भी सिस्टम जनरली अगर प्रोबेबिलिस्टिक होगा, या ऑब्वियसली आज के दिन में दे कैन बी हाइब्रिड सिस्टम्स एज वेल, जिसमें कुछ फीचर्स डिटरमिनिस्टिक होगा, कुछ चीजें नोन होगा, कुछ चीजें अननोन होगा. अगेन, एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में भी ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज प्रोबेबिलिस्टिक होगा, कुछ चीजें सर्टेन हो सकती है, बट इट कैन बी प्रोबेबल इन इट्स बिहेवियर एज वेल. इनफैक्ट और एक चीज अगर आप समझो, विद अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ एरर अटैच्ड. प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम का मैंने कहा, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम ने 90% चांसेस है ऐसा होने का, 10% चांसेस है ऐसा होने का, और 90% वाला हुआ तो भी तो 10% गलत था. आर यू गेटिंग ऑल दिस? प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम दे कैन बी मल्टीपल पॉसिबल आउटपुट्स विद प्रोबेबिलिटीज. 80% चांसेस ऐसा होने का, 15% चांसेस ऐसा होने का, 5% चांसेस ऐसा होने का. आर यू गेटिंग दिस? ओके, सेम पेज, बॉटम में आना. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, फिजिकल सिस्टम मिल रहे हैं क्या? ओके, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बगल में लिखना इनटैंजिबल. इनटैंजिबल एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर. सेकेंड, फिजिकल सिस्टम बगल में लिखना टैंजिबल. एग्जाम्पल कंप्यूटर, मशीनरी. टैंजिबल सिस्टम बगल में लिखना एग्जाम्पल कंप्यूटर, मशीनरी. सेकेंड में आना ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम. ओके, ओपन एंड क्लोज में थोड़ा सा राइटअप बड़ा होगा, मैं दो लाइन लिखवाऊंगा, दो तीन लाइन दोनों के लिए, एंड ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना रहेगा. तो दो तीन लाइन लिखना है, ड्रॉ करना है, जगह अपने हिसाब से मैनेज करना है. लिखना, एन ओपन सिस्टम डज नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन does not have any restriction and can freely interact with the environment. And can freely interact with the environment. Does not have any restrictions and can freely interact with the environment. Closed system ke liye likhna. A closed system has zero interactions with the environment all the input is self-generated. All the input is self-generated and all the output is for self-consumption. All the input is self-generated and all the output is for self-consumption. दो मिनट लेके डायग्राम कॉपी कर लेते ना. ऊपर वाला ओपन सिस्टम के लिए है, नीचे वाला क्लोज सिस्टम के लिए है.
हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इज एनवायरमेंट। ड्रॉ किया क्या? मैनुअल सिस्टम खाली इतना लिख लो, रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। क्या अ बूटिंग प्रोसेस? सी व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज द क्वेश्चन बीन रेज डिस्कस कर रहा है, आज के दिन में रॉम भी क्या होता है, इरेजेबल रॉम आता है, प्रोग्रामेबल रॉम आता है, दैट्स ऑल्सो मॉडिफाइबल। तो अगर वो चेंजेबल है तब वो, अगर वो नॉन इरेजेबल है तब वो क्लोज सिस्टम मान लिया जाएगा। ओके, मैनुअल सिस्टम के बगल में लिखना रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑटोमेटेड सिस्टम के बगल में डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, पूरा चीज लिखना, ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन, डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, does not require human intervention during processing. Okay? नीचे ना डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम का फर्स्ट अंडरलाइन करना, ऑपरेट्स इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर, मिल रहा है क्या? बगल में लिखना गिवन द इनपुट्स द आउटपुट इज नोन विथ सर्टेनिटी। Given the inputs, the output is known with certainty. Probabilistic system के लिए लिखूंगा, a probabilistic system may have multiple possible outputs. A probabilistic system may have multiple possible outputs. Multiple possible outputs, each of which has a probability attached. Each of which has a probability attached. There is always a degree, last sentence, there is always a degree of error attached with probabilistic systems. लास्ट एक सेंटेंस और, देर इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ एरर अटैच्ड विथ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स। आप ऑब्वियसली 2.5 2.6 दोनों पूरा पेज यूज कर सकते हैं ये सब डिस्कशंस के लिए, ठीक है ना, 2.5 एंड 6 पूरा, क्योंकि उसी के बारे में है यहाँ पे। देर इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ एरर अटैच्ड विथ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स। Why am I saying there is always a degree of error attached? Because हमने कहा था 60% chances ये होगा, 20% ये होगा, 20% ये होगा, 60% वाला हुआ, पर तो भी तो 40% गलत हो गया ना। So there is always a degree of error attached because multiple output आ सकता है with probability. सबसे probable वाला भी आया तो भी कुछ कुछ तो error हो ही जाएगा। Are you with me? Everyone? Okay. यहां पे कितने जन है वैसे जिनका एग्जाम नवंबर 17 में ड्यू है? ओके सॉरी जस्ट रॉन्ग क्वेश्चन, कितने लोगों का एग्जाम यहां पे मई 18 ड्यू है, ऐसा कोई है क्या यहां पे? ओके कोई नवंबर 18 वाला, कोई ओके नहीं, हम ये चाह रहा था कि भाई सब नॉर्मल लोग ही है ना, ये चेक कर रहा था, बिकॉज वी जनरली ओनली सजेस्ट यू टू डू इट इन द लास्ट 6 मंथ्स, सो दैट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। ओके कमिंग बैक, बुक में आना, कंटिन्यू करते हैं पेज 2.6 बॉटम में, आईएएस एंड इट्स कंपोनेंट्स, मिल रहा है क्या? आईएएस एंड इट्स कंपोनेंट्स, पेज 2.7 टॉप ऑफ द पेज में आइएगा, पेज 2.7 टॉप ऑफ द पेज में दो कॉलम, छोटा छोटा दो चार पॉइंट्स लिखना है आपको, टॉप ऑफ द पेज में लिख लेना,
कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम। हाँ बस चार वर्ड लिखना है उसके नीचे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम। 2.7 टॉप, 2.6 बॉटम, 2.8 जहां जगह मिले पूरा अपना ही है। दो कॉलम बनाना, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम, बगल में लिखना एक्टिविटीज ऑफ एनी सिस्टम। एक्टिविटीज ऑफ एनी सिस्टम, कॉम्पोनेंट्स के अंदर लिखना पॉइंट नंबर वन इनपुट, पॉइंट नंबर टू प्रोसेस, पॉइंट नंबर थ्री स्टोरेज एंड पॉइंट नंबर फोर आउटपुट। आर यू विद मी? बचपन से ऐसा डायग्राम बनाया होगा? हाँ नहीं, यस कंप्यूटर जब बनाया होगा, जब भी ऐसा सा कुछ बनाया होगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, ठीक है ना। लेकिन इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट चार पार्ट होता है, कोई भी सिस्टम का चार पार्ट होगा, कोई भी सिस्टम का वर्ड का बात कर रहे हैं, चार पार्ट होगा इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट। कोई भी सिस्टम का चार एक्टिविटीज होगा। सेकंड कॉलम में लिखना पॉइंट नंबर वन इनपुट, पॉइंट नंबर टू प्रोसेस, पॉइंट नंबर थ्री आउटपुट, पॉइंट नंबर फोर फीडबैक। कुछ अलग है इसलिए लिखवा रहे। प्लीज अंडरस्टैंड, इनपुट करना एक ह्यूमन एक्टिविटी होगा, प्रोसेसिंग के दौरान हमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आउटपुट रिसीव करना एक ह्यूमन एक्टिविटी होगा, और आउटपुट के बेसिस पे अगला इनपुट देना फीडबैक होगा। इनपुट एक्टिविटी होगा, प्रोसेस के दौरान ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, तभी मैनुअल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। आउटपुट रिसीव करना एक ह्यूमन एक्टिविटी होगा, और आउटपुट के बेसिस पे कुछ क्वेरी करना, कुछ फीडबैक देना, दैट्स गोना बी द फोर्थ ह्यूमन एक्टिविटी। चार एक्टिविटीज फॉर अ सिस्टम होगा, चार कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम होगा। यू वेरी क्लियरली गेटिंग दिस क्या? एनी सिस्टम फोर कॉम्पोनेंट्स फोर एक्टिविटीज, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज चार कॉम्पोनेंट्स होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक चार एक्टिविटीज होगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस ओके। पांच कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी आईएस होगा, पांच कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। एक मिनट सुनो ना, आपके माइंड में पहले क्वेश्चन आना चाहिए, सर आईएस तो एक सिस्टम है ना, इसमें भी सब हाँ नहीं बोला। आईएस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम। यस, इफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, तो सर मेरा लॉजिक बोलता है जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम होगा वो कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होना चाहिए। लॉजिकली यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट, बट द प्रॉब्लम इज सर हमने लॉ में ऐसा सुना होगा या सीखा होगा कि व्हेन अ जनरल लॉ प्रिवेल्स, व्हेन अ जेनेरिक क्लॉज प्रिवेल्स एंड अ स्पेसिफिक क्लॉज प्रिवेल्स, देन द स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल क्लॉज। सुना लग रहा है क्या? ओके, सो वेन एवर देर इज अ स्पेसिफिक क्लॉज, द स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल। इन अ वेरी सिमिलर मैनर, आई हैव अ जेनेरिक आंसर, चार कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम, बट देर इज अ स्पेसिफिक आंसर एंड द स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल। इसीलिए हम लोग जब अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जाएंगे, अब मेरा डिस्कशन धीरे धीरे आईएएस की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ध्यान देते रहना। अभी तक का सारा डिस्कशन सिस्टम के बारे में था, अब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बोला कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पांच कॉम्पोनेंट्स हो सकता है, चार हो सकता था जो हमने डिस्कस किया, पांच एक अलग सेट ऑफ डिस्कशन होगा। बोला सर क्या पांच कॉम्पोनेंट, पहले सुनना सर, एक बेसिक लेवल पे बात करें तो हर आईएएस में एक हार्डवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे कोई भी आईएएस होगा, तो उसमें एक हार्डवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। किसी भी आईएएस के अंदर डेटा चाहिएगा, बिकॉज सर जैसे इनपुट चाहिएगा वैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को डेटा चाहिएगा। हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डेटा होगा। आज के दिन में कोई भी सिस्टम आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करना। मेरे कंपनी में 10 कंप्यूटर्स है, तो 10 को कनेक्ट करने के लिए आई विल नीड सम काइंड ऑफ अ नेटवर्क्स।
नेटवर्क, अगर आपने नाम सुना हो, इंटरनेट बोल के कुछ होता है। सर सुना है मतलब क्या सर? सुबह से रात तक उसी के साथ तो जीते हैं। इंट्रानेट बोल के कुछ होता है, एक्स्ट्रा नेट बोल के कुछ होता है। सुना हो तो बहुत अच्छा, नहीं सुना तो और भी अच्छा, मैं सिखाऊंगा है डिस्कशंस में, ठीक है ना। लैन बोल के कुछ होता है, मैन बोल के कुछ होता है, वैन बोल के कुछ होता है, आईपीसीसी। सुना सुना होना चाहिए मेरे क्लास में, हर डिस्कशन या तो सुना सुना होगा या सुना सुना होगा, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है ना। तो कम से कम सुना सुना लगना चाहिए, सुना सुना नहीं लगना चाहिए। लैन हो, मैन हो या वैन हो, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट जो भी होगा, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ नेटवर्क चाहिएगा। कोई भी आईएएस का पांच कंपोनेंट्स में हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डेटा होगा, नेटवर्क्स होगा। आईएएस को चलाने के लिए इंसान, पीपल, सर इंसानियत हमेशा लास्ट में आती है। पांच पॉइंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क्स एंड पीपल। आर यू विद मी? सेम पेज 2.7 डायग्राम मिलेगा मिडिल ऑफ द पेज में, 2.8 सॉरी 6 7 ही है ना, सॉरी दिख रहा है क्या डायग्राम में? आईएएस का पांच कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क्स एंड पीपल। आर यू विद मी? ठीक है ना, अलग से लिखने का दरकार नहीं, डायग्राम में मार्क कर लो सीधा। तो मेरे लिए तीन चीज समझा रहे हैं हम आपको, फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम, फोर एक्टिविटीज ऑफ एनी सिस्टम एंड फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आर यू वेरी क्लियर विद दिस पार्ट नाउ एवरीवन? ओके, मेरा अब डिस्कशंस, अगले 15 मिनट तक आपको बुक नहीं चाहिए, इसलिए बुक को छोड़ दो। 10 मिनट खाली डिस्कशंस करेंगे, बोर्ड पे सारा चीज समझाना चाह रहा हूं। यहां से मैं चैप्टर टू का मेन पार्ट शुरू कर रहा हूं। मेरा पूरा चैप्टर टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, सर सिस्टम के बारे में जितना जेनेरिक नॉलेज आपको देना था मैंने दे दिया। इंफॉर्मेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने सीख लिए। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। आईएएस की दुनिया में आगे बढ़ने के पहले एक तो चीज सुनते रहना, क्या कंपनी के हर मैनेजर को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिएगा, यस या नो? यस। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या हर एक मैनेजर को सेम इंफॉर्मेशन चाहिएगा? क्या एक कंपनी का सीनियर मैनेजर, कंपनी का सीईओ, कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर, कंपनी का क्लर्क, कंपनी का प्रेसिडेंट, सबको सेम इंफॉर्मेशन चाहिएगा? डेफिनेटली नॉट सर। इंफॉर्मेशन हर किसी को चाहिएगा, लेकिन हर किसी को सेम इंफॉर्मेशन तो नहीं चाहिएगा, सबको अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिएगा। और अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आई विल टीच यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईएएस, बट वाई डू आई नीड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईएएस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन? बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर होना चाहिए सर। कोई भी आईएएस क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कोई भी आईएएस हो, बहुत सारा सिखाऊंगा, कोई भी आईएएस करेगा क्या सर, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा? अलग अलग टाइप का डेटा लेके अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन करेगा तो अल्टीमेटली सेम काम, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाला है। सो एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम विल प्रोसेस एंड गिव मी इंफॉर्मेशन। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट विल गिव, बेस्ड अपॉन दैट वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आर यू वेरी क्लियरली गेटिंग द नॉलेज वाला पार्ट? नो? यस। ओके, मेरे बुक में चार सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस आपको पढ़ाए जाएंगे। ये चार आईएएस है जो सबसे मेन आईएएस हम पढ़ेंगे, इनके सिवाय हम तीन अलग अलग आईएएस में जाएंगे। सर ये तीन को आपने ऐसे अलग से क्यों लिखा है? ये चार हायरार्की फॉलो करते हैं, ये तीन हायरार्की फॉलो नहीं करते। सर हायरार्की फॉलो करते नहीं करते मतलब ये चारों हायरार्की वाइज है। टीपीएस को यूज कंपनी का लोएस्ट मैनेजमेंट करेगा, एमआईएस को यूज कंपनी का मिडल मैनेजमेंट करेगा, डीएसएस को यूज अगर आप लैंग्वेज में समझो तो हायर मैनेजमेंट करेगा, ईआईएस को यूज कंपनी का टॉप मैनेजमेंट करेगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? ये चार हायरार्की फॉलो करते हैं। टीपीएस लोएस्ट मैनेजमेंट यूज करेगा, एमआईएस मिडल मैनेजमेंट, डीएसएस हायर मिडल मैनेजमेंट, ईआईएस टॉप मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये तीन हायरार्की फॉलो नहीं करते सर, हायरार्की फॉलो नहीं करते यानी इसको अलग अलग लोग यूज करेंगे लेकिन टॉप मिडल लोअर के बेसिस पे नहीं सर। तो फिर किस बेसिस पे? ओएएस इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, जो कंपनी का कोई भी डे टू डे काम ऑटोमेट करेगा। अभी खाली सुन, आई टेल यू व्हाट टू कॉपी, व्हेन टू कॉपी, बट ओनली लिसन नाउ। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कंपनी का डे टू डे काम को ऑटोमेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेटर सुना है क्या? यस, थैंक गॉड, कैलकुलेटर इज एन ओएएस।
जो क्या करता है, डे टू डे काम को ऑटोमेट करता है। डे टू डे काम में कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो ऑटोमेट कर देता है। आपने एमएस वर्ड का नाम सुना है? एमएस वर्ड क्या करता है, मेरे को लेटर का, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, अलाइनमेंट एडजस्ट करना पड़ता, वो करके दे देता है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ ओएस। कोई भी वो सिस्टम जो मेरा डे टू डे काम को ऑटोमेट करेगा, इट्स एन ओएस। ईमेल का नाम सुना है क्या? इट्स एन ओएस। आर यू विद मी? सर कंपनी में नियम हो सकता है क्या, ये लोग ईमेल यूज करेंगे, ये लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे? हर कोई यूज कर सकता है। आर यू वेरी क्लियर? विद ओएस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। केएमएस स्टैंड्स फॉर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग काम में लेते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग, फॉर एग्जांपल मैं सिखाऊंगा, देयर आर सर्टेन ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, आपने बचपन में सीखा था आईपीसीसी कैट्स, सुना होगा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कैट्स। सर धुंधला धुंधला लग रहा है। Okay, so there are certain auditing softwares. Don't worry, details will come into this paper. But there are certain auditing softwares. Simple भाषा में बोले तो audit करने में मदद करेंगे। ये audit करने में मदद करने वाला software सिर्फ auditors use करेगा। Auditor top, middle, lower management में नहीं आता। ये special class of knowledgeable people में आता है। इसलिए ये लोग जो software use करेंगे उसको knowledge management system बोल रहे हैं। Logically समझना, knowledge management system will help us in managing knowledge. They will be used by certain special knowledgeable people. Not by top, middle and lower management. ये classify नहीं होता, ये special class of people के लिए है. And others में others, बाकी कई सारा आने वाला है. Are you with me? हम ये सात ISs में focus करेंगे, पर ये सात IS बना के institute का मन नहीं भरा. तो उन्होंने सोचा हमें कुछ और content develop करना है. तो उन्होंने क्या किया? इसे एक नाम दे दिया. कंपनी में टॉप स्ट्रेटजी कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट का सिस्टम को नाम दे दिया स्ट्रेटजिक लेवल सिस्टम्स। मिडिल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया मैनेजमेंट लेवल सिस्टम। लोअर मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया ऑपरेशनल, लोअर मैनेजमेंट ऑपरेशनल लेवल सिस्टम्स। इनके लिए इनके पास नाम नहीं मिल रहा था। सोचा क्या नाम दे, क्या नाम दे, कोई नाम नहीं मिला, तो सेकेंड वाले के नाम पर नाम रख दिया और इसको भी एक नाम दिया। और फिर इंस्टीट्यूट को लगा कि आईएएस का हरा भरा परिवार पूरा हो गया। मेरे बुक में ये सारा डिस्कशंस आएगा, लेकिन आज तक सीए फाइनल के एग्जाम में आज तक इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। Explain what is operational level system, explain what is management level systems. क्योंकि इनके बारे में मेरे बुक में सिर्फ एक पैराग्राफ है। It is a category of IS which includes. मेरा discussion इनके बारे में होगा, मेरा discussion इसके बारे में होगा, सारा discussion, सारा class इसके बारे में होगा। ये सिर्फ category names हैं। Are you getting what I'm trying to say? लेकिन जब हम operational level system में आए या management level system में आए, तो management level system and management information system में फर्क है। We should not get confused between the two. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर कैटेगरी नेम्स एंड व्हाट आर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम? समझ में आ रहा है ना? हम ये साथ पे फोकस करेंगे, ये सिर्फ कैटेगरी नेम्स हम क्लास बुक में आएगा, हम रीड करेंगे, दो लाइन पढ़ेंगे इसके बारे में, और बुक में भी दो ही लाइन होगा, चार पांच लाइन का सिर्फ एक पैराग्राफ होगा। इट इज अ कैटेगरी एंड इट्स गॉट इंक्लूड वन एंड टू। आर यू विद मी? यस, ओके। कॉपी करना है हमें चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पेज में, अगर थोड़ा बहुत जगह हो चैप्टर टू का तो उसको यूज करना, वरना चैप्टर टू का लास्ट पेज में थोड़ा सा जगह है उसको यूज करना। अगेन छोटा छोटा करके यूज करना, बिकॉज और भी अभी बहुत कुछ है मेरे पास।
कॉपी किया क्या? ओके फिनिश करो ना डायग्राम को फटाफट। हमें एक टेबल बनाना है, तीन कॉलम, छह या सात लाइन, हर एक एक कॉलम में सिर्फ दो तीन वर्ड लिखना है, थ्री कॉलम्स, सिक्स टू सेवन लाइंस, हर एक कॉलम में सिर्फ दो तीन वर्ड लिखना है, देख लो अपने हिसाब से साइज। चैप्टर टू का लास्ट पेज 2.42 में जगह है। पहला कॉलम का हेडिंग लिखना टॉप मैनेजमेंट, सेकंड कॉलम मिडिल मैनेजमेंट, थर्ड कॉलम लोअर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के नीचे पहला पॉइंट लिखना फुल्ली नॉन प्रोग्राम्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। टॉप मैनेजमेंट के नीचे लिखना फुल्ली नॉन प्रोग्राम्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। फुल्ली नॉन प्रोग्राम्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन सेकेंड पॉइंट। सेकेंड कॉलम में लिखना मतलब मिडिल मैनेजमेंट में पार्शियली प्रोग्राम्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। पार्शियली प्रोग्राम्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, पार्शियली प्रोग्राम्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। थर्ड लोअर मैनेजमेंट में क्या होगा बता दो, फुल्ली प्रोग्राम्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। ओके फुल्ली प्रोग्राम्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। सेकेंड पॉइंट टॉप मैनेजमेंट के नीचे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। टॉप मैनेजमेंट के नीचे सेकेंड पॉइंट लिखना स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मिडिल मैनेजमेंट के नीचे लिखना क्या होगा बताओ तो, टैक्टिकल डिसीजंस। टैक्टिकल डिसीजंस टैक्टिक्स होता है ना, टैक्टिक्स, टैक्टिकल डिसीजंस। लोअर मैनेजमेंट के नीचे सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, टैक्टिकल डिसीजंस, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल डिसीजंस। थर्ड पॉइंट टॉप मैनेजमेंट के नीचे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ब्रैकेट मेनली एक्सटर्नल। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ब्रैकेट मेनली एक्सटर्नल ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड कॉलम J
जनरली इंटरनल इंफॉर्मेशन, थर्ड कॉलम लोअर मैनेजमेंट, इंटरनल इंफॉर्मेशन ओनली, इंटरनल इंफॉर्मेशन ओनली। चौथा पॉइंट टॉप मैनेजमेंट के नीचे EIS/ESS, EIS/ESS, मिडिल मैनेजमेंट के नीचे MIS, एक मिनट स्लैश नहीं देना है, कॉमा MIS, DSS, एंड लोअर मैनेजमेंट के नीचे TPS, MIS, DSS, लोअर मैनेजमेंट के नीचे TPS। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस टेबल? What I have done is I have summarized content from the chapter and given it in a table to you. ताकि अगर कोई मेरे से कोई भी IAS के बारे में पूछे तो एक summary मेरे को पहले से पता होगा। पहले points समझते हैं। What do you mean by program decision and non-program decision? Structured decisions and program non-program फर्क क्या होगा? कोई बता सकते हैं? Programmed non-programmed. According to environment, decision lena is programmed, non-programmed. Our programmed is predetermined set of instructions. That is programmed. Okay, and non-programmed is not predetermined. प्रोग्राम decisions आर planned decisions, जो हमने पहले से प्लान कर रखा होगा, अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, that's a program decision. Non programmed हमने पहले से प्लान नहीं किया, सडनली कुछ हो गया, अब डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है. Are you with me? Programmed, non programmed, structured and unstructured. Structured decision is a decision which the system can give you solution. Structured is where the system can give you solution. You don't need to use your mind, system आपको final answer दे देगा. Unstructured, where the system cannot give me a solution, system can only give me facts and figures, I have to use my knowledge, experience and intuition to find a solution. Unstructured yani jisme dimag lagana padega, structured jisme dimag nahi lagana padega. Programmed yani jisme planned hai, non programmed yani jo unplanned hai. Programmed non programmed is about predictability, pehle se pata tha ya nahi pata tha. Structured, unstructured is about degree of human involvement, मेरे को कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है. फर्क समझ में आ रहा है क्या? टॉप मैनेजमेंट सारा नॉन प्रोग्राम्ड काम करता है, जो पहले से प्रोग्राम नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी में बैड डेप्स होता है तो हर कंपनी को पता होता है बैड डेप्स होने से क्या करना है, ठीक है ना? बहुत ही नॉर्मल सा बात है, अपना प्रोग्राम्ड होगा कि बैड डेप्स होगा तो बैड डेप्स के लिए ये करेंगे, वसूली के लिए कोई वसूली भाई होगा या क्या करना होगा, पहले से प्लान्ड होगा. Program decisions. लेकिन अगर मेरे competitor ने price 10% घटाया तो क्या करना है? ये program नहीं किया था सर, अब सोचना पड़ेगा और फिर decide करना पड़ेगा. Are you getting this? Structured unstructured is about degree of human involvement. For example, कोई मेरे पास loan मांगने आया तो company का set parameters होगा, सॉफ्टवेयर में डाला हुआ होगा, मैं आपसे मांगूंगा आपका 2 साल का आईटीआर दीजिए, आपका पिछला बैलेंस शीट दीजिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए. मैं जैसे ही सॉफ्टवेयर में फीड करूंगा, सॉफ्टवेयर मेरे को बता देगा लोन देना है या नहीं देना और कितना अमाउंट तक का लोन दे सकते हैं. सिस्टम आंसर दे सकता है मेरे को, स्ट्रक्चर डिसीजन. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया, लेकिन या फिर लेट्स से जीएसटी के आने के वजह से मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया, अब मेरे को सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहिए या कॉस्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन को डिक्रीज करके एब्जॉर्व कर लेना चाहिए. लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या? ये कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड इंट्यूशन. सिस्टम बता सकता है मेरा सेलिंग प्राइस कितना और मेरे कॉम्पिटिटर्स का सेलिंग प्राइस कितना, मेरा सॉफ्टवेयर बता सकता है मेरा मार्जिन कितना, लेकिन मुझे प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं ये सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता. ये मेरे को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, टॉप मैनेजमेंट सारा नॉन प्रोग्राम्ड अनस्ट्रक्चर्ड वाला दिमाग लगाने वाला काम कर रहा होगा, लोअर मैनेजमेंट सारा रूटीन प्रोग्राम्ड वाला काम कर रहा होगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस? मिडिल वाला तो पार्शियली पार्शियली बीच में है. आर यू विद मी?
यस। सेकंड, टॉप मैनेजमेंट सारा स्ट्रैटेजीज बनाता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो टैक्टिकल डिसीजन मिडल मैनेजमेंट लेगा, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डे टू डे वाला काम सारा ओवरसी करने वाला काम लोअर मैनेजमेंट करेगा। लेट्स से हमने डिसाइड किया कि हम एक नया इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, लेट्स से वी हैव डिसाइडेड टू एंटर चॉकलेट्स बिजनेस, ठीक है ना, हमने चॉकलेट्स बिजनेस शुरू करने का सोचा, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन उस चॉकलेट्स बिजनेस में फैक्ट्री सेटअप करना है, तो फैक्ट्री सेटअप कहां करें, एक एसईजी जोन में सेटअप करें जहां टैक्स बेनिफिट्स होगा, या वहां सेटअप करें जहां इनपुट्स अवेलेबल होगा इकोनॉमिकल, या वहां जहां कस्टमर्स अवेलेबल है, बहुत बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस का बात करें, ये टॉप मैनेजमेंट नहीं करेगा, इसके लिए मिडिल मैनेजमेंट टैक्टिकल डिसीजंस लेगा, इवैल्यूएशंस करेगा, कोई भी वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये सब मिडिल मैनेजमेंट का काम होगा। ऑफिस साइट पे खड़ा होके सारा काम को ओवरसी करना लोअर मैनेजमेंट का काम होगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस? स्ट्रैटेजिक वर्क, टैक्टिकल वर्क एंड ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी वर्क। आर यू विद मी? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको खुद का भी इंफॉर्मेशन चाहिएगा और इन्वायरमेंट का भी इंफॉर्मेशन चाहिएगा। इफ यू रिमेंबर, फॉर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी वी नीड टू डू स्वॉट एनालिसिस। द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कम्स फ्रॉम द इंटरनल इन्वायरमेंट, द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मेरे को इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिएगा और एक्सटर्नल भी चाहिएगा। सर समझ में आया, लेकिन मेनली एक्सटर्नल क्यों बोला आपने? इंटरनल सिर्फ अपने बारे में चाहिएगा, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर के बारे में चाहिएगा, कस्टमर के बारे में चाहिएगा, गवर्नमेंट के बारे में चाहिएगा, इंटरमीडियरीज के बारे में चाहिएगा, मार्केट के बारे में चाहिएगा, सोसाइटी के बारे में चाहिएगा। आई नीड अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी। आई नीड इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, मोर ऑफ एक्सटर्नल। आर यू गेटिंग ऑल दिस? मिडिल मैनेजमेंट को तो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना है, कुछ वेंडर से नेगोशिएट करना है, इसलिए जनरली इंटरनल बोला। कभी कभी कुछ एक्सटर्नल अलाउड होगा, लेकिन जनरली इंटरनल। लोअर मैनेजमेंट को तो सिर्फ डे टू डे सेल का, परचेस का, एंट्री परचेस का, एंट्री सेल का, एंट्री एंट्रीज पास कर करके सेल परचेस का रिपोर्ट बनाना है। ये रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं, इंटरनल इंफॉर्मेशन ओनली। आर यू विद मी? अगर ये टेबल समझा तो मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें आपको टॉप मिडिल और लोअर मैनेजमेंट पढ़ाना नहीं था, लेकिन उस टेबल के थ्रू इन आईएएस का एक बेसिक बैकग्राउंड देना था। अब कोई भी आईएएस के बारे में आपको चार सेंटेंस पता है सर, स्टार्ट करने के पहले। मैं तो आईएएस पढ़ाऊंगा, लेकिन आईएएस पढ़ने के पहले हर आईएएस का एक बेसिक बैकग्राउंड पता है। आप मेरे से पूछेंगे सर टीपीएस, मुझे पता है सर टीपीएस इज एन आईएएस दैट कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। It's an IES that's going to be used by lower management for fully programmed and structured decisions. It's going to help in operational and supervisory decisions, and it's going to process internal data and give me only internal informations. Ekdam basic level, lekin ek first paragraph to ready ho gaya na sir. Aur wo sara internal book ka hi matters ko content ko use karke summarize karke banaya hua hai. To apne liye se sara ek introductory paragraph pura ready ho jayega for all IESs. Are you with me? Yes, everyone. Okay, hum log na abhi सिर्फ टीपीएस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशंस करेंगे, सुनना, वो कुछ छोड़ देना, खाली डिस्कशंस कर रहे हैं अभी, सुनना। टीपीएस अगर आप नाम से समझेंगे, इट्स गोना बी कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आईपीसीसी एंड इंटर लेवल, आईपीसीसी लेवल पे भी था हमारा, थोड़ा बहुत अगर याद हो, अज्यूम करें नहीं याद है, डोंट वरी, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम होगा जो क्या करेगा, कंपनी का सारा ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा। सर सिंपल भाषा में बात करें, कंपनी का सारा ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा। ये क्या करेगा, कंपनी का सारा ट्रांजैक्शन को कैप्चर करेगा, प्रोसेस करके रिपोर्ट्स रेडी करके दे देगा। टीपीएस का बेस्ट एग्जाम्पल्स, आप जब कोई भी स्टोर्स पे जाते हैं, शॉपर स्टॉप, पैंट, बिग बाजार, जहां पे भी आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, उस बिलिंग काउंटर का जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर पे बैठ के ना आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या गेम्स नहीं खेल सकते। वहां पे सिर्फ बिलिंग सॉफ्टवेयर लोडेड होता है। उस कंप्यूटर को हम पीओएस टर्मिनल बोलते हैं, पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स। उस पीओएस टर्मिनल पे सिर्फ बिलिंग सॉफ्टवेयर लोडेड होता है, वो जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, दैट्स अ टीपीएस। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सारा ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता है, प्रोसेस करके बिल जनरेट करके दे देता है मेरे लिए, और बाद में मेरे को कोई भी क्वेरीज हो तो वो हैंडल कर सकता है। क्वेरीज यानी मेरे को एंड ऑफ द डे जानना है पूरा दिन का सेल्स कितना हुआ, उससे निकल के आ जाएगा। मेरे को जानना है इस प्रोडक्ट का पूरा दिन का सेल्स कितना हुआ, निकल के आ जाएगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस एवरीवन? व्हाट इज टीपीएस? इट्स गोना बी अ सॉफ्टवेयर दैट्स गोना हैंडल ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी। बट इफ यू अंडरस्टैंड, ये सारा मेहनत वाला काम करेगा। एक सेकंड के लिए कोई सोच के बता सकता है क्या कि क्या कंपनी का मिडिल मैनेजमेंट को कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिएगा या नहीं चाहिएगा?
चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? क्या MIS एंड DSS के अंदर मेरे को क्या कंपनी का सारा सेल्स परचेस का इंफॉर्मेशन चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? चाहिएगा। तो क्या MIS में वापस सारा एंट्री करेंगे, DSS में वापस सारा एंट्री करेंगे? एकदम भी नहीं। इसीलिए तो नेटवर्क लगाने का बात किया था। ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू नेटवर्क्स। सारा एंट्री का काम TPS में होगा। TPS में सारा डेटा एंटर किया, वहां से वो पास ऑन हो जाएगा MIS में। जब DSS को डेटा चाहिएगा तो वो मिल जाएगा MIS से, जब EIS को चाहिएगा तो वो मिल जाएगा DSS से। दे आर नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन, दे विल ऑल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। लेकिन सारा ट्रांजेक्शन को कैप्चर करने वाला काम TPS कर रहा होगा, सारा मेहनत करने वाला काम TPS करता है। MIS DSS तो सुबह उस पर बैठ के एनालिसिस करता है, EIS तो खाली उस पर बैठ के रिपोर्ट बनाता है एडवांस लेवल्स। आर यू विद मी सर? रियल लाइफ में भी तो वही होता है, हमसे पूछिए ना सर। सारा मेहनत का काम तो हमेशा लोएस्ट लेवल से करता है सर। मिडल लेवल तो खाली उसको एनालाइज करता है, और टॉप लेवल तो सिर्फ साइन करने के लिए आता है सर। ठीक है ना? ऑब्वियसली कुछ ही लोगों को पता होगा, ठीक है ना? लेकिन हर लेवल पे यही होता है। तो सिस्टम के लेवल पे भी सबसे सारा ट्रांजैक्शन को कैप्चर करने वाला काम TPS करेगा। MIS DSS EIS को वो रेडीमेड मिलने वाला है। वो लोग उसको यूज करके एडवांस एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाएंगे। वो उसको यूज करके एडवांस एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाएंगे। कैसा रिपोर्ट हम लोग सीखेंगे जब वहां जाएंगे। लेकिन सारा मेहनत करने वाला काम TPS करता है। इफ यू अंडरस्टैंड, TPS विल हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ITC का 80,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है। 80,000 करोड़ कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा एक साल का? 80,000 करोड़ है। आर यू गेटिंग दिस? डेफिनेटली बहुत सारा ट्रांजेक्शन होगा, और ये सारा बहुत सारा ट्रांजेक्शन सबसे पहले TPS में कैप्चर किया जाएगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस? नो। सो TPS विल हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड, TPS MIS DSS वगैरह सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। Are you with me? It's going to be the source that's going to provide information to a lot of other information systems. Plus, TPS के अंदर और एक feature होता है, मालूम है क्या? सुनते रहना अभी ध्यान से। TPS में और एक अच्छा feature होता है, क्या? अगर आप चाहो तो TPS में data entry keyboard से कर सकते हो, या अगर आप इसको devices से attach करो तो barcode reader वगैरह से scan भी किया जा सकता है। यानी बेसिक काम ऑटोमेट किया जा सकता है। अगर सिंपल भाषा में बोले, बेसिक इनपुट करने वाला काम भी ऑटोमेट किया जा सकता है TPS में। Are you understanding all this? Yes. TPS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या करता है? सारा ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता है, प्रोसेस करके बेसिक रिपोर्ट बना के दे देता है, लेकिन एडवांस रिपोर्टिंग नहीं कर सकता बेसिक। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बिलिंग काउंटर पे होता है, आप उसका बिल लेके बोल सकते हैं, सर आपका बिल में ही अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसे करके दीजिए ना रिपोर्ट में। नहीं, वो फिक्स्ड होता है। TPS का रिपोर्ट का फॉर्मेट वगैरह फिक्स, उसमें मेरे पास चॉइस नहीं होता, अपने हिसाब से कस्टमाइज बना सके। कस्टमाइज रिपोर्टिंग का ऑप्शन नहीं होता। आर यू विद मी? कस्टमाइज रिपोर्टिंग का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, सारा ट्रांजैक्शन को कैप्चर करके सिंपल रिपोर्ट्स बना कर दे देगा, ट्रांजैक्शन को स्टोर कर देगा मेरे डेटाबेस में। वहां से डेटाबेस से वो आगे ऊपर लेवल के पास जाता जाएगा। आर यू विद मी? यस। आपको पता नहीं चला TPS खत्म हो गया, इतना ही है मेरे बुक में। आना TPS 10 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स। आई ऑलवेज गिव दिस वार्निंग बेल, हां, जैसे एग्जाम में आता है लास्ट 10 मिनट्स का वार्निंग बेल, वो उनके लिए होता है जो अगर गलती से भी स्विच ऑफ होने वाले हो तो अलर्ट आ जाता है वापस, लास्ट 10 मिनट्स है, बट फोकस 10 मिनट्स। हाँ, या सॉरी, या नहीं, टीपी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, बट जनरली कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए होगा जो MIS में होगा, जो DSS में चाहिएगा, कुछ और डेटा भी होगा जो DSS में होगा जो EIS को चाहिए होगा। तो EIS DSS से भी ले, MIS से भी ले, TPS से भी ले, तो that will complicate things. So, इसीलिए generally they are connected in sequence. Generally, though we can always connect it the way we want to do it. Okay. अच्छा सुनो ना, और एक practical और theory में फर्क समझ के रखिएगा please. Practical world और theoretical world में एक फर्क है। Theoretical world में मैं आपको बोल रहा हूँ TPS lowest management use करेगा, MIS middle, DSS higher middle, EIS top management, जिन्होंने audit किया होगा, obviously. कई बार क्लाइंट्स के यहाँ पे देखा होगा, सर मैंने देखा था MIS टॉप मैनेजमेंट यूज कर रहा था, और कई बार तो देखा होगा सर छोटा सा कंपनी था, एक ही सॉफ्टवेयर पे पूरा कंपनी चल रहा था। थियोरेटिकली व्हेन वी आर सेइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी दैट इज फुल्ली ग्रोन। एक छोटा कंपनी होगा तो हजारों रुपया या लाखों रुपया इन सॉफ्टवेयर पे नहीं लगाएगा। जब कंपनी धीरे धीरे बड़ा होगा तो हर लेवल के लिए अलग सॉफ्टवेयर लगाने का सोचेगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है आपको एक टैली जैसा सॉफ्टवेयर मिले जिसपे पूरा कंपनी चल रहा हो। थियोरेटिकल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फर्क होता है।
थियोरेटिकली दीज आर डिफरेंट मेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स, प्रैक्टिकली वी माइट गेट द सेम सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड बाय हायर और लोअर लेवल्स ऑल्सो. डोंट गेट कंफ्यूज, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, अगर छोटा होगा तो एक ही सॉफ्टवेयर हो सकता है दो तीन लेवल्स मिलकर काम में ले रहे हैं. बुक में आते हैं, कम टू पेज 2.9. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मिल रहे हैं क्या? आर यू विद मी? उसके अंदर सबसे पहले मिलेगा ऑपरेशनल लेवल सिस्टम्स. ऑपरेशनल लेवल सिस्टम्स के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में साथ साथ रीड करना, दीज सपोर्ट ऑपरेशनल मैनेजर्स इन ट्रैकिंग एलिमेंट्री एक्टिविटीज. अंडरलाइन करने, इट सपोर्ट्स मैनेजर्स इन ट्रैकिंग एलिमेंट्री एक्टिविटीज. दे ट्रैक कस्टमर ऑर्डर, दिख रहा है क्या? इनवॉइस ट्रैकिंग. ऑपरेशनल सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम्स, मिल रहा है क्या? ये लोएस्ट मैनेजमेंट को यूज करेगा बेसिक एक्टिविटीज करने में मदद कर रहा होगा. नेक्स्ट पेज में आना, राइट हैंड साइड वाला पेज में, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मिल रहा है क्या? टीपीएस. व्हाट इज टीपीएस? साथ में रीड करेंगे, एट द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एट द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टीपीएस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो क्या करता है? टीपीएस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मैन्युपुलेट्स डेटा फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मिल रहा है क्या? मैन्युपुलेट करना यानी मॉडिफाई करना. मैन्युपुलेट यानी हमेशा गंदा मीनिंग हो जरूरी नहीं है. मैन्युपुलेशन करना, मैन्युपुलेट करना यानी मॉडिफाई करना. इट मॉडिफाइज द डेटा फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस. एनी बिजनेस एक्टिविटी लाइक अ सेल, परचेस, प्रोडक्शन, डिलीवरी, पेमेंट, रिसीप्ट इन्वॉल्व्स अ ट्रांजैक्शन एंड दीज ट्रांजैक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैन्युपुलेटेड टू जनरेट वेरियस इन्फॉर्मेशन. दिख रहा है क्या? एक मिनट, कंपनी का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो सबसे पहले टीपीएस में एंटर होगा. कंपनी का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो सबसे पहले टीपीएस में एंटर होगा. ओके, नीचे आना सेकंड लास्ट लाइन में, टीपीएस विल दस रिकॉर्ड एंड मैन्युपुलेट ट्रांजैक्शन डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. मिल रहा है क्या? फर्स्ट पैरा सेकंड लास्ट लाइन, इट विल कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. टिपिकली अ टीपीएस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज. क्या क्या एक्टिविटीज? पहला पॉइंट, कैप्चरिंग डेटा. मिल रहा है क्या? कैप्चरिंग डेटा यानी बगल में लिख लो इनपुट. कैप्चरिंग डेटा इनपुट. सेकंड पॉइंट, प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्स, नॉर्मल प्रोसेसिंग, ठीक है ना. थर्ड पॉइंट, जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन यानी आउटपुट्स. चौथा पॉइंट, प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज यानी, कुछ याद आ रहा है क्या? पहला पॉइंट कैप्चरिंग ऑफ डेटा इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग किया, थर्ड आउटपुट, चौथा फीडबैक्स, क्वेरीज. आर यू गेटिंग ऑल दिस? चार एक्टिविटीज हमने तो पहले ही समझ लिया था सर. आर यू विद मी? ओके, नेक्स्ट पेज में आना, आपको टीपीएस का कंपोनेंट्स मिलेगा. एक मिनट रीड करो ना, मेरा पढ़ाने का मन नहीं है. चार ब्लैक हेडिंग्स रीड करना. ऐसे ही बोल रहा था, ऑलरेडी पढ़ा चुका. नोटिस करना, टीपीएस का कंपोनेंट्स चार पॉइंट मिल रहा है क्या? इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट. जो हमने पहले सिखाया उन सबका रीजन था. कोई भी सिस्टम का है तो टीपीएस का भी तो हो सकता है. चार एक्टिविटीज ऑफ अ टी, चार कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएस. एक मिनट सुनो ना, टीपीएस का लकी नंबर है 4, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चंस पॉसिबल है 4. पहला, व्हाट इज टीपीएस? दूसरा, एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, उसका आंसर भी है 4. थर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएस, उसमें भी आंसर है 4. चौथा, फीचर्स ऑफ टीपीएस, उसमें भी आंसर है. आर यू गेटिंग दिस? क्या ठीक है ना? टीपीएस का लकी नंबर है 4. व्हाट इज टीपीएस? समझा सर? इट्स एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो लोएस्ट मैनेजमेंट यूज करेगा सारा ट्रांजैक्शन को कैप्चर करने के लिए. सेकंड, टीपीएस का एक्टिविटीज, कैप्चर किया, प्रोसेस किया, रिपोर्ट जनरेट किया, क्वेरीज हैंडल किया, फीडबैक्स. थर्ड, कंपोनेंट्स, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट. लास्ट टॉपिक फॉर द डे, जस्ट नीचे मिलेगा अपने लोगों को, फीचर्स ऑफ टीपीएस. मिल रहा है क्या? फीचर्स ऑफ टीपीएस ऑलरेडी पढ़ा चुका कई सारा पॉइंट. पहला पॉइंट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, दिख रहा है क्या? It will handle large volume. Why large volume? Because all business transaction will be entered here. All the business transactions will be entered here. It will handle large volume of transactions. Goes without saying. Are you with me? Second point, automation of basic operations. मिल रहा है क्या? बगल में लिखना, लिखवा रहा है इस point के लिए. By using devices, like barcode readers, scanners, etc. By using devices like barcode readers, scanners, etc. Even basic operations like even basic operations like data entry can be automated.
इवन बेसिक ऑपरेशंस लाइक डेटा एंट्री कैन बी ऑटोमेटेड. समझ में आ रहा है क्या? कुछ डिवाइसेस लगा के हम बेसिक काम को भी ऑटोमेट कर सकते हैं. इवन बेसिक ऑपरेशंस कैन बी ऑटोमेटेड. थर्ड पॉइंट, बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल. एक मिनट बात समझाएगा, पहले फोर्थ पॉइंट में आना. सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम्स, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? MIS, DSS, EIS, सबको इंफॉर्मेशन ये देने वाला. इट्स अ सोर्स ऑफ इनपुट फॉर हायर लेवल सिस्टम्स. ओके, बगल में लिख लो ना, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू हायर लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू हायर लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. लास्ट, बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल. थर्ड पॉइंट में आना. व्हाट डू मीन बाय बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल? सुनो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर, एक मिनट, टीपीएस क्या करता है? कोई भी मेरा मैनुअल काम को ऑटोमेट कर देता, जो डेटा एंट्री हमको करना पड़ता वो काम ऑटोमेट हो जाएगा. अगर टीपीएस नहीं होता, एक मिनट सुनना, अगर टीपीएस नहीं होता तो क्या होता? सर यही काम मैनुअली करना पड़ता, चार इंप्लॉइज को बैठाना पड़ता, उन चार इंप्लॉइज को सैलरी देना पड़ता, वो चार इंप्लॉइज को सैलरी इनफाइनाइट पीरियड तक देना पड़ता सर, परपेचुइटी. उसका पीवी मेरे लिए सेविंग्स हो गया. यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस? सर कहां जा रहे हैं आप? ठीक है ना, आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में सीखा होगा, रिडक्शन इन आउटफ्लो इज एन इनफ्लो. बहुत बेसिक लेवल पे बात करें तो ये जो सैलरी मेरे को नहीं देना पड़ेगा ये सेविंग्स हो गया फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड. इसका परपेचुइटी मेरे लिए पीवी हो गया, मेरे लिए इतना का सेविंग्स होगा. कॉस्ट बेनिफिट कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं. बट वन मिनट, MIS सॉफ्टवेयर का भी खर्चा तो फिक्स है, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो कितना खर्चा लगेगा. लेकिन MIS सॉफ्टवेयर नहीं होता तो भी हम डिसीजन लेता, MIS होगा तो हम बेटर डिसीजंस लेगा. हाउ डू आई क्वांटिफाई बेटर डिसीजंस? इफ यू आर गेटिंग माय प्रॉब्लम, मेरे को कोई भी काम के लिए सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, खर्चा कितना बेनिफिट कितना. खर्चा तो फिक्स है सर, खर्चा सॉफ्टवेयर का जो भी खर्चा होगा. बेनिफिट टीपीएस में हम फिर भी मेजर कर सकता है, MIS DSS में बेनिफिट्स को मेजर कर पाना, क्वांटिफाई कर पाना डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि बेनिफिट इज बेटर डिसीजंस. वो रिपोर्ट बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, रिपोर्ट बना के देगा जिसके वजह से हम बेटर डिसीजन ले पाएगा. बट हाउ डू आई क्वांटिफाई बेटर डिसीजंस? लॉजिक समझ में आ रहा है? टीपीएस का फीचर क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंपेरेटिवली ज्यादा कन्वीनियंटली हो सकता है. समझ में आ रहा है क्या? थर्ड पॉइंट के बगल में लिखना, उसका नाम समझ में आ रहा है क्या? बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल. समझ में आ रहा है बेनिफिट्स क्यों मेजरेबल है? डिस्कशन के हिसाब से समझ में आ रहा है क्या? बगल में लिखना, हेंस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हेंस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैन बी डन कंपैरेटिवली मोर इजियर. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैन बी डन कंपैरेटिवली मोर इजियर. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैन बी डन कंपेरेटिवली मोर इजियर. क्लियर हो रहा है क्या? यहां पे कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा इजी है. व्हाई इजी है? बिकॉज हम बेनिफिट्स को इजीली मेजर कर सकता है. आर यू विद मी? ओके, टू मिनट्स. हमने सबसे पहले सीखा था डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम विच नो मीनिंगफुल कंक्लूजंस कैन बी डिराइव्ड. बट व्हेन यू प्रोसेस डेटा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन. दैट प्रोसेसिंग इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड द सिस्टम दैट डज दैट प्रोसेसिंग फॉर मी इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट कॉम्पोनेंट्स दैट विल ऑपरेट कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ कॉमन पर्पस और अ गोल. हमने कहा था इंफॉर्मेशन का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होगा. अवेलेबिलिटी टाइमली होना चाहिए, पर्पस फुलफिल करना चाहिए. मोड एंड फॉर्मेट वाला पॉइंट आया, रेट ऑफ ट्रांसमिशन वाला पॉइंट आया, फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट आया, करंट एंड अपडेटेड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, करेक्ट क्वालिटी होना चाहिए, वैलिडिटी का बात किया हमने, हमने यहाँ पे बात किया था ट्रांसपेरेंसी रिलायबिलिटी का बात किया एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का बात किया था हम लोगों ने. जब आगे बढ़े हमने सिस्टम का बाइफर्केशन डिस्कस किया. हमने कहा या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा इनटैंजिबल या फिजिकल होगा टैंजिबल, या तो ओपन होगा फ्रीली इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट या क्लोज्ड होगा जीरो इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट, या तो ऑटोमेटेड होगा जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, या मैनुअल होगा रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन, या तो डिटर्मिनिस्टिक होगा विद नोन सर्टेनिटी, या प्रोबेबिलिस्टिक होगा विद प्रोबेबल आउटपुट्स. चार कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम सीखा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज. चार एक्टिविटीज ऑफ एनी सिस्टम सीखा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक. पांच कंपोनेंट्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम सीखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा नेटवर्क्स पीपल.
हमने आगे बढ़ा, हमने सबसे पहले टीपीएस सीखा। टीपीएस का चार एक्टिविटीज था, कैप्चर किया, प्रोसेस किया, रिपोर्ट्स बनाया, क्वेरीज हैंडल किया। चार कंपोनेंट सीखा, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट। चार फीचर सीखा, लार्ज वॉल्यूम को हैंडल करेगा, बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर हायर लेवल सिस्टम्स एंड बेसिक फंक्शंस कैन बी ऑटोमेटेड। आर यू विद मी? यहां तक रीड करके आते हैं, नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।